लाइन होता क्या है? बेसिकली सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे लाइन होता क्या है, ठीक है। तो लाइन के बारे में कुछ हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लाइन दो या दो से अधिक बिंदुओं द्वारा बना बिंदु रेखा को लाइन कहते हैं। दो या दो से अधिक बिंदु अधिक बिंदुओं द्वारा बना, मान लेते एक ये बिंदु है, ठीक है, और एक अगर बिंदु हम लोग मान लेते ये है, ये दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देने से बना रेखा जो है ये स्ट्रेट लाइन में रहेगा। ये बना रेखा को जो है हम लोग लाइन बोलते हैं, ठीक है, थीके? आप लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद कर लीजिएगा। लाइन जो है दो या दो से अधिक बिंदुओं से बना बिंदु पथ रेखा को लाइन कहते हैं, ठीक है। और लाइन का जो है दो टाइप से होता है, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन को सीधा रेखा बोला जाता है, कर्व लाइन को वक्र रेखा बोला जाता है। सीधा रेखा कहने का मतलब ये जो हुआ स्ट्रेट लाइन हो गया, और वक्र रेखा जो होता है, कर्व लाइन जिसको बोला जाता है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता है, ठीक है। इसी ये भी एक तरह का लाइन है, ठीक है, ये कर्व रेखा हो गया, ठीक है। जब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, जब किसी बिंदु को एक ही दिशा में गतिमान होता है, कोई भी बिंदु जो एक ही दिशा में गतिमान होता है उसको स्ट्रेट लाइन सीधा रेखा बोला जाता है, और कोई भी बिंदु जो है डिफरेंट डिफरेंट रेखा में गतिमान करता है, इससे बना जो पथ बनता है, रेखा बनता है, उसको जो हम लोग वक्र रेखा, कर्व रेखा बोलते हैं। लेकिन हम लोग ये चीज तो कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लिए कि लाइन होता क्या है, लाइन का टाइप्स होता क्या है, ठीक है। लेकिन हम लोग ये डिस्कस करने की कोशिश करें कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रेलवे ने हम लोग को लाइन पढ़ने के लिए क्यों बोला, सिलेबस में लाइन क्यों डिस्कस करने के लिए बोला है। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की रेखा खींचा जाता है, ठीक है, और प्रत्येक रेखा को अलग अलग रोल होता है। इसीलिए जो है हम लोग को जो भी जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वर्कशॉप में अगर देखते होंगे तो वहां पे एक जॉब बनाया जाता है। तो जॉब बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, स्केलिंग किया जाता है। स्केलिंग करने के लिए लाइन का यूज होता है, ठीक है। हर एक लाइन का डिफरेंट डिफरेंट लेंथ ब्रेथ होता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग के लाइन पढ़ने का डिस्कस ये जो है कंपलसरी कर दिया है सिलेबस में, अकॉर्डिंग टू रेलवे के सिलेबस से। जितना महत्वपूर्ण टॉपिक होगा दोस्त, ऑलरेडी हम लोग ये बेसिक इंजीनियरिंग साइंस जो चैप्टर जो है उसमें हम लोग पार्ट ए में पूरा डिस्कस करने वाला है। तो ये लाइन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लाइन का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉप 70 क्वेश्चन जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट बनने वाला है रेलवे के लिए स्पेशली, वो हम लोग टोटल डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्या बोल रहा है, देखिए, किस रेखा द्वारा वस्तु के ड्राइंग में बाहरी सीमा को दर्शाया जाता है, ठीक है। किस रेखा द्वारा वस्तु के ड्राइंग में बाहरी सीमा को दर्शाया जाता है? ऑप्शन गिवन है अदृश्य रेखा, वस्तु रेखा, मध्य रेखा एंड विस्तार रेखा, ठीक है। क्वेश्चन को आराम से समझिए, और इसका जो है जितना क्वेश्चन मैं इसका डिस्कस करने वाला हूं, आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, टेक्निकल बैकग्राउंड से और नॉन टेक्निकल से भी है, फिर भी आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तब जो है आप लोगों को भी एक पॉजिटिव फीलिंग मोटिवेट होइएगा, तो पढ़ने में मजा आएगा, हम लोग को पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, वस्तु रेखा, ठीक है। इसका राइट आंसर की बात करते हो तो वस्तु रेखा हो जाएगा। किस रेखा द्वारा वस्तु के ड्राइंग में बाहरी सीमा को दर्शाया जाता है? वस्तु रेखा द्वारा जो है किसी भी वस्तु के ड्राइंग में बाहरी सीमा को दर्शाया जाता है। बाहरी सीमा इसके बारे में, वस्तु रेखा के बारे में और भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। वस्तु रेखा, बाहरी रेखा, एक इसको बाहरी रेखा के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एंड इम्पोर्टेंट रेखा होता है, ठीक है। इसको जो है गहरा रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, इसको थोड़ा गहरा मोटी लाइन की तरह इसको दर्शाया जाता है, ठीक है। और इसे इसका दूसरा नाम जो है आउटलाइन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, याद कर लीजिएगा। कभी कभी वस्तु रेखा की जगह आउटलाइन रेखा इसमें ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आउटलाइन रेखा के रूप में इसको भी जाना जाता है, और ये रेखा मोटी होती है, ठीक है। चलते हैं हम अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, नीचे दिए गए रेखा का उपयोग किया जाता है। देखिए ये जो रेखा है जिगजैग रेखा इसको बोला जाता है, ठीक है। ये जिगजैग रेखा बोला जाता है, और आप देख सकते हैं एक ट्रांजिस्टर के सिंबल, हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसमें ट्रांजिस्टर के सिंबल की तरह है, ठीक है। सॉरी ट्रांजिस्टर नहीं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के सिंबल, रेजिस्टेंस के सिंबल की तरह है, ये देख सकते हैं ऐसे रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, उसी तरह इसको जिगजैग रेखा बोला जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जिगजैग रेखा यहाँ पे बोल रहा है कि नीचे दिए गए रेखा का उपयोग किया जाता है, किस चीज में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन की भी है, दीर्घखंड रेखा, सेक्शन रेखा, केंद्र रेखा और कर्तन समतल रेखा। इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, करेक्ट आंसर दीर्घखंड रेखा इसको बोला जाता है, ठीक है। दीर्घखंड रेखा और जिगजैग रेखा भी इसी को बोला जाता है, क्योंकि जिगजैग आकार की ये सिंबॉलिक इसका, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, निम्न में से कौन सी मोटी खंडित रेखा है?
ठीक है, निम्न में से कौन सी मोटी खंडित रेखा है। इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्त, मोटी खंडित रेखा आप लोग देख सकते हैं फिगर में ही, तो ये जो है मोटी खंडित रेखा है। आप लोग इसको कमेंट में भी देख सकते हैं, कमेंट में जरूर से जरूर अगर आंसर जानते हैं क्वेश्चन के तो उसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग एक मोटिवेट होकर पढ़ने में हम लोग को मजा आता है, पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है। ये बात करते हैं ये जो ऑप्शन ए में ये कौन सी रेखा है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। खंडित पतली रेखा इसको बोला जाता है, ये रेखा को खंडित पतली रेखा बोला जाता है, जिसको डैश लाइन के रूप में इसको दर्शाया गया है। इसका जो है हिडन आउटर रेखा के रूप में इसको यूज किया जाता है, किसी भी हिडन वस्तु को आउटर रेखा जो है उसको दर्शाने के लिए ये जो है डॉटेड लाइन पतली रेखा को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। बात करते हैं ये जो रेखा है बी जो ऑप्शन में, ये रेखा कौन सी रेखा है, ये पतली रेखा सीधी रेखा और इसी को वक्र रेखा भी बोला जाता है, ठीक है, पतली और सीधी रेखा इसको बोला जाता है। बात करते हैं ये जो ऑप्शन सी में जो रेखा है इसको मुक्त हस्त सतह पतली रेखा बोलते हैं, मुक्त हस्त सतह पतली रेखा बोलते हैं, और ये जो आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हम लोग, ये मोटी लाइन रेखा है, इसलिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं मोटी खंडित रेखा कौन है, तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र में एक्स रेखा का नाम क्या है, नीचे दिए गए चित्र में एक्स रेखा का नाम क्या है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये जो है डॉटेड लाइन रेखा है, इसमें ऑप्शन में वो है नहीं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेक्शन रेखा दर्शाने के लिए टेढ़ी रेखा खींची जाती है, सेक्शन रेखा दर्शाने के लिए टेढ़ी रेखा खींची जाती है, ये पूछ रहा है कितना एंगल पे खींची जाती है, ठीक है, कितना एंगल पे जो है खींची जाती है, ऑप्शन 75, 45, 55 एंड 65 डिग्री, इसका कमेंट सेक्शन आप लोग जरूर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग इस अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो ये जो है आप लोग इसका यूज किए हुए होंगे। सेक्शन रेखा की बात कर रहे हैं दोस्त, तो सेक्शन रेखा जो है ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ये करेक्ट आंसर 45 डिग्री होता है, सेक्शन रेखा दर्शाने के लिए 45 डिग्री पे जो है सेक्शन रेखा खींचा जाता है, ठीक है, यह रेखा वस्तु रेखा के साथ 45 डिग्री पे खींचा जाता है और सभी रेखा के बीच में बात करते हैं ये जो है 45 डिग्री पे ऐसे जो है 45 डिग्री पे खींचा जाता है, ये जो रेखा है सेक्शन रेखा इसको बोला जाता है, ठीक है, स्ट्रेट रहेगा थोड़ा सा, ये पेंसिल की वजह से ऐसे हो रहा है, ये स्ट्रेट रहेगा 45 डिग्री पे खींचा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा 45 डिग्री पे खींचा जाता है। और बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, ये 2 mm से 3 mm के बीच में इसके जो दोनों रेखा के बीच में गैप की बात करते हैं 2 से 3 mm रहता है गैप, ध्यान दीजिएगा, गैप भी डायरेक्ट पूछ सकता है, ऑप्शन में रहेगा गैप कितना, सेक्शन रेखा में जो है दोनों प्लेन के बीच में जो है कितना डिस्टेंस होता है, गैप कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा 2 से 3 mm होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये अगर मोटाई की बात करते हैं तो 0.7 mm, ये जो है लाइन जो रेखा है इसका मोटाई की बात करते हैं तो 0.7 mm होता है, ठीक है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, बीमा रेखा वस्तु रेखा से खाली जगह की दूरी पर होनी चाहिए, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बीमा रेखा वस्तु रेखा से 5 mm से 8 mm के बीच की दूरी पर होना चाहिए, ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र में एक्स रेखा को क्या कहा जाता है, नीचे दिए गए चित्र में एक्स रेखा को क्या कहा जाता है, आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे जो ये जो रेखा है इस रेखा को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, कमेंट में इसका जरूर जवाब दीजिए, ठीक है, इसको जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा केंद्र रेखा, ठीक है, एक्स रेखा को जो है केंद्र रेखा बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि वृत्त के अंदर में। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स रेखा को क्या कहा जाता है, नहीं सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, ये जो डॉटेड लाइन रेखा इस रेखा को क्या कहा जाता है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अदृश्य रेखा इसको बोला जाता है, अदृश्य रेखा ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हिडन रेखा जो है इसको बोला जाता है अदृश्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन रेखा की मोटाई कितनी रखी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, सेक्शन रेखा की मोटाई कितनी रखी जाती है, टोटल जो है रेलवे के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया है पूरा अपन ये जो है चैनल स्टडी इंडिया अड्डा पे पूरा डिस्कस करूंगा, इस चैनल के साथ कंटिन्यू आप लोग जो है बने रहिए, आज जो है हम लोग का तीसरा सेशन है, आज हम लोग लाइन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग हम जो जितना महत्वपूर्ण टॉपिक है हर एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा प्रत्येक दिन इसका, इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं लाइन का, तो लाइन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या बोले, सेक्शन रेखा की मोटाई कितनी रखी जाती है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.7 mm से 0.7
एमएम से अधिक होता है, यहाँ पे थोड़ा राइटिंग मिस्टेक हो गया, 0.7 एमएम से अधिक होता है, ठीक है, 0.7 एमएम से अधिक होता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेखाएं मुख्यतः कितनी प्रकार की होती है, रेखाएं मुख्यतः कितनी प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है, रेखाएं मुख्यतः दो प्रकार का होता है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षैतिज रेखा की उदाहरण क्या है, क्षैतिज रेखा की उदाहरण क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा का। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा के मतलब सीधी रेखा है, ठीक है, सीधी रेखा का ये उदाहरण एग्जांपल है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए चित्र में पी रेखा को क्या कहा जाता है, ये जो रेखा दर्शाया गया है इसमें बीच में जो है ये जो ऐसे रेखा दर्शाया गया है ये रेखा को क्या बोला जाता है, इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन रेखा, इसको बोला जाता है, सेक्शन वाइज सेक्शन इसको डिवाइड किया गया इसलिए इसको सेक्शन रेखा बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा फिगर में जो है एक बार देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी टाइप के रेलवे में आने की उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि रेलवे पे बेस्ट एकदम ये क्वेश्चन बनाया गया है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थिर जल की सतह का उदाहरण क्या है, स्थिर जल की सतह का उदाहरण क्षैतिज रेखा है, स्थिर जल की सतह का उदाहरण क्षैतिज रेखा है, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं के लंबवत होती है वो रेखा क्या कहलाते हैं, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाता है, जो क्षैतिज रेखा के लंबवत होता है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्त, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है आप लोग को मिली जुली होगा, क्योंकि आप लोग को पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं हम लोग ये सुना है वर्ड, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको आसानी होगा इसका आंसर देने में, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। कौन सी रेखा है जो समान दूरी पर आगे बढ़कर एक दूसरे को कमी प्रतिच्छेद करती है, कौन सी दूरी रेखाएं को समान दूरी पर आगे बढ़कर एक दूसरे को कमी प्रतिच्छेद करती है, इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं जो समान दूरी पर आगे बढ़कर एक दूसरे को कमी प्रतिच्छेद करती है, कहने का मतलब समांतर रेखा जो है एक दूसरे को जो है समान दूरी पर आगे बढ़कर मतलब आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है, ये जो है डायरेक्ट आगे की ओर स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड बढ़ते जाती है, ठीक है, आपस में कभी ये नहीं होगा, डायरेक्ट एकदम समांतर रेखा समांतर ऐसे बढ़ते जाती है, ना कि ऐसे टकरा जाती है, ठीक है, ये जो है स्ट्रेट लाइन बढ़ते जाती है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदृश्य रेखा कितने एमएम का रिक्त छोड़ते हुए बनाई जाती है, ये जो स्केलिंग जो है ना दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे की एग्जाम में स्केलिंग बहुत पूछा जाता है, इसका कितना लेंथ जो है आई जो है निर्धारित किया गया है, ये सब पूरा स्केलिंग जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदृश्य रेखा कितने एमएम का रिक्त छोड़ते हुए बनाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 एमएम से 3 एमएम, ध्यान दीजिएगा अदृश्य रेखा जो है 2 एमएम से 3 एमएम हिडन रेखा को जो है बनाई जाती है गैप छोड़ करके। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो रेखा है किसका उदाहरण है, आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट में जरूर जवाब दीजिए, ये जो है वक्र रेखा का उदाहरण है, ठीक है, वक्र रेखा का ये उदाहरण है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें निरंतर दिशा परिवर्तित होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें निरंतर दिशा परिवर्तित होती है रेखा कहलाती है, इसका कमेंट में आप लोग जरूर से जरूर जवाब दीजिए, इसका जो है वक्र रेखा कहलाती है, ठीक है, इसे जो है वक्र रेखा कहते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए चित्र की रेखा का पहचान कीजिए, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हो, यह क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर होना चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर कमेंट करो इस क्वेश्चन का, ठीक है, ये जो है समानांतर रेखा है, ये रेखा कौन सी है, समानांतर रेखा है, ठीक है, समानांतर रेखा है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस करना हूं दोस्त, थोड़ा सा फास्ट करूंगा क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को परेशानी होगा, क्योंकि थोड़ा स्पीड में करूंगा तो है आप लोग जल्द से जल्द अच्छे तरह समझ लोगे मैक्सिमम क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वे रेखाएं जो दोनों किनारों पर तीर के निशान द्वारा बंद रहती है कहलाती है, वे रेखाएं जो दोनों किनारों पर तीर के निशान द्वारा बंद रहती है वो रेखा क्या कहलाती है, इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीमा रेखा, उसको बोला जाता है,
ठीक है, वो रेखा को क्या बोला जाता है दोस्त, बीमा रेखा बोला जाता है। एक चीज आप लोग बता देना चाहता हूँ, क्योंकि रेलवे में डायरेक्ट फिगर से क्वेश्चन पूछ देगा, अगर कहीं पे इस तरह का फिगर गिवन है दोस्त, इस तरह का फिगर गिवन है, इस तरह का अगर फिगर गिवन है, यहाँ पे मान लेते हैं 6 इसका लेंथ है, ठीक है 6 mm है, तो यहाँ पे इस तरह का ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये जो है ये फिगर लिखने का तरीका जो है इस तरह का गलत है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है। इसका लिखने का सही तरीका क्या है बता देना चाहता हूँ, ये जो है 6 ऊपर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है mm नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट 6 आप डिनोट कर दीजिएगा। उसी तरह से कहीं कहीं हर एक तरह का अलग अलग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किसी वस्तु के आउटलाइन हेतु प्रयुक्त रेखाएं क्या कहलाती है, आउटलाइन के लिए कौन सा रेखा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु रेखा। ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूं, फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था, आउटलाइन रेखा के लिए वस्तु रेखा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी बिंदु से होती हुई रेखाएं जो अपनी दिशा परिवर्तित करती है क्या कहलाती है, किसी बिंदु से होती हुई रेखाएं अपनी दिशा परिवर्तित करती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्त वक्र रेखा। ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं पर लंब होती है कहलाती है, क्षैतिज रेखा पर लंब होती है वो रेखा कहलाती है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। क्षैतिज रेखा पे जो लंबवत होती है उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बीमा रेखा सही प्रक्रिया में प्रदर्शित करती है, ऑलरेडी हम अभी डिस्कस कर लिए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कमेंट में जरूर से जरूर आप जवाब दीजिए, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त सी, ये इसका करेक्ट है, ये लिखने का जो है बेस्ट प्रोसेस है, ठीक है। इसी तरह से लिखा जाता है, ना कि ये 30 नीचे नहीं लिखा जाता, ना कि ऐसे लिखा जाता, ना कि ऐसे, बेस्ट प्रोसेस की बात करते तो ये है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एक्स द्वारा प्रदर्शित की गई रेखा का नाम बताइए, ये जो रेखा प्रदर्शित है ये रेखा का नाम बताइए, जरूर से जरूर कमेंट में इसका जवाब दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त बीमा रेखा, इसको बोला जाता है, ठीक है बीमा रेखा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की रेखाएं उपयोग होती है, चित्र में रेखा एक्स प्रदर्शित कर रही है, विभिन्न प्रकार की रेखा होती है ड्राइंग में, ठीक है। ये जो रेखा जो है ये रेखा का जो नाम पूछ रहा है, ठीक है, आप लोग कमेंट में इस रेखा का जरूर से जरूर जवाब दीजिए, बहुत ही सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो रेखा है लघु खंड रेखा है, खंड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपस में जो है ये ब्रेक किया हुआ है, ठीक है, खंडित है, खंड लघु खंड रेखा इसको बोला जाता है, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई लाइन में जिगजग लाइन कौन सी है, जिगजग लाइन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूं, इसका कमेंट में आप लोग जरूर आंसर दीजिए, जिगजग लाइन जो है ये जो है जिगजग लाइन है, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ISI के निर्देशानुसार रेखा की माप बीमा रेखा के फिल इन द ब्लैंक्स लिखी जानी चाहिए, ISI के अनुसार रेखा का माप बीमा रेखा के खाली स्थान लिखी जाना चाहिए, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूं ये भी पॉइंट, कमेंट में जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का जो है आंसर दो, कमेंट में जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दो क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त बीमा रेखा के जो है ऊपर लिखा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूं, मान लिया है कि यह 30 mm का है तो 30 mm नीचे नहीं लिखाएगा, ये गलत प्रोसेस है, 30 जो है यहाँ पे लिखाएगा और mm भी यहाँ पे नहीं लिखाएगा, क्योंकि ये डायमेंशन की अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर रूप से देखा जाए तो ये गलत प्रोसेस है, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधी रेखाएं मुख्यतः कितनी प्रकार की होती है, सीधी रेखाएं की बात करते हैं दोस्त, सीधी रेखाएं जो होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, सीधी रेखाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा सही प्रदर्शित कर रहा है, कौन सा सही प्रदर्शित कर रहा है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूं, इसका जो है कमेंट में जरूर से जरूर इसका आंसर दीजिए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये जो है सही तरीका से प्रदर्शित कर रहा है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कौन सी डायमेंशन गलत है, कौन सी डायमेंशन गलत लिखा हुआ है, इसका भी आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दीजिए, ठीक है। इसका जो है 20 जो है ये जो सी जो ये जो लिखा हुआ है गलत प्रोसेस है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे सटा करके लिख दिया है, ठीक है, ये लाइन में टच नहीं करना चाहिए। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कौन सी एरो हेड है, ठीक है, एरो हेड कौन है, बात करते हैं एरो हेड का, तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्लिक स्ट्राइक, ऑब्लिक स्ट्राइक करेक्ट हेड है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा तीर गलत है, कमेंट में जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। निम्न में से कौन सा तीर गलत है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो तीर गलत है क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन जो है ब्रेक किया हुआ, तो यहाँ पे इससे बाहर निकल गए, बाहर नहीं आना चाहिए, इसी के अंदर रहना चाहिए। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसलिए ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीआईएस द्वारा विमांकन डायमेंशन में ही प्रदर्शित किया जाता है, इसका क्वेश्चन हर किसी से, जो वीडियो देख रहे हो हर किसी से ये क्वेश्चन का आंसर चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ऑलरेडी डिस्कस, बहुत बार डिस्कस कर लिया हूँ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, इसको एमएम में प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी अक्षर को लिखने के लिए किस माध्यम से जो है उसको लिखा जाता है, इसका जो है करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल बीमा के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। अपन नेक्स्ट इंजीनियरिंग, हाँ क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है, देखिएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग बात करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन के माध्यम से प्रयुक्त किया जाता है, बीमा द्वारा, हाँ अभी दोनों हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, ठीक है, ड्राइंग का विवरण भी लिखा जाता है, उसका बीमा भी लिखा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन करते समय ऊर्ध्वाधर रेखाएं को खींचा जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं को ऊपर से नीचे की ओर खींचा जाता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर खींचा जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार के अक्षरांकन तरीके उपयोग किए जाते हैं, निम्न में से किसमें सभी अक्षरों को तिरछा लिखा जाता है, ठीक है, सभी अक्षरों को तिरछा लिखने के लिए तिरछी अक्षरांकन का यूज करते हैं, ठीक है, तिरछी अक्षरांकन का यूज करते हैं दोस्तों। इसी तरह के जो है क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आने की उम्मीद है रेलवे के सीबीटी 2 एग्जाम के लिए स्पेशली, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करो। निम्न में से किसमें 78 डिग्री तिरछी अक्षरांकन लिखी जाती है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इंक्लाइंड सेंटर में जो है 38 डिग्री तिरछी अक्षरांकन लिखी जाती है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में किन में अक्षरों को बाएं से दाएं लिखा जाता है, दोस्तों अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग हर जो है रेलवे के लिए ड्राइवर के लिए तो मैक्सिमम टेक्निकल स्टूडेंट ही है, तो टेक्निकल स्टूडेंट अगर वर्कशॉप आप लोग किए हो तो जो ये बेसिक जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जो स्केलिंग ड्राफ्टर जो यूज किए हो, तो हर किसी को ये सब चीज मालूम होगा क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर डायरेक्ट खुद ब खुद पढ़ करके इसको एलिमिनेट करके आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। इसका आंसर की बात करते हैं दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगल स्ट्रोक अक्षर जो होता है उसको जो है बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीआईएस के अनुसार सिंगल स्ट्रोक अक्षरांकन को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, इसको जो है दो प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊर्ध्वाधर सिंगल स्ट्रोक अक्षर पर लिखे जाते हैं, ऊर्ध्वाधर सिंगल स्ट्रोक अक्षर पर लिखे जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोअर केस लेटर का प्रयोग प्रायः किया जाता है, लोअर केस लेटर का प्रयोग प्रायः किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्त, तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग में जो है लोअर केस लेटर का यूज करते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग है जो आर्किटेक्चर करते हैं उन लोग जो है लोअर केस लेटर का जनरली यूज करते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग के लिए कौन से ग्रेड की पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग के लिए कौन से ग्रेड की पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है, दोस्तों इससे पिछला जो वीडियो सेशन हम लोग जो पढ़ाए हैं पार्ट टू वीडियो है उसमें टोटल हम लोग जो है ड्राइंग एंड ज्योमेट्रिक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, तो उसमें जितना भी पेंसिल के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर से जरूर दीजिए, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों तरह के पेंसिल को जो हम लोग यूज करते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दो स्ट्रोक अक्षर लिखे जाते हैं, दो स्ट्रोक अक्षर लिखे जाते हैं, पर इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्त, मोटे तरह के लिखे जाते, दो स्ट्रोक अक्षर को मोटा करके लिखा जाता है, ठीक है, जैसे ए बी जी जो भी लिखा जाता है वो मोटा करके लिखा जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड सेंटर में, सॉरी सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर में स्केल की ऊंचाई होती है, सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड सेंटर में स्केल की ऊंचाई होती है 5 mm होती है, ध्यान दीजिएगा। सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग में दो अक्षरों के बीच की दूरी कितनी होती है, सिंगल स्ट्रोक अक्षरों में दो लेटरिंग में दो अक्षरों के बीच की दूरी कितनी होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समान होती है, दोनों अक्षरों के बीच की दूरी समान होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी बिंदु से एक ही दिशा में विशेष में गतिमान होने पर बिंदु पथ कहलाती है, सीधी रेखा कहलाती है, किसी बिंदु से एक ही दिशा में विशेष में गतिमान होने पर बिंदु पथ कहलाती है सीधी रेखा, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में ए रेखा को क्या कहा जाता है, ये जो रेखा है इसको क्या कहा जाता है, ये हर किसी ने पढ़ा होगा, इस क्वेश्चन का कमेंट में जरूर से जरूर आप लोग जवाब दो, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, ये जो है ऊर्ध्वाधर रेखा इसको बोला जाता है, ठीक है, 90 डिग्री पे है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न चित्रों में अदृश्य रेखा को पहचान कीजिए, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दो, ठीक है, ये जो है अदृश्य डॉटेड लाइन को है जो है इसको अदृश्य रेखा बोला जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्र में प्रदर्शित एन रेखा का नाम क्या है, ये जो रेखा है ए रेखा का नाम बताओ, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्त, ये जो रेखा इसको बोला जाता है विस्तार रेखा बोला जाता है, ठीक है, इस रेखा को विस्तार रेखा बोला जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए चित्र में रेखा का नाम बताओ, ये जो रेखा है उस रेखा का नाम बताओ, ये रेखा जो दिया है उस रेखा का नाम बताओ, कौन सी रेखा है, ये रेखा को बोला जाता है जो दोस्त क्षैतिज रेखा, इस रेखा को क्षैतिज रेखा बोला जाता है, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंबवत रेखा कितने डिग्री का होता है, लंबवत रेखा जो है कितने डिग्री का होता है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर से जरूर जवाब दो, 90 डिग्री का होता है लंबवत रेखा, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, ये जो रेखा है ये लंबवत रेखा है, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे होता है, ठीक है, इसी को लंबवत रेखा बोला जाता है। बात करते हैं वस्तु रेखा प्राय होती है, वस्तु रेखा प्राय होती है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है वस्तु रेखा जो प्राय होती है दोस्त ये मोटी होती है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वस्तु रेखा मोटी होती है। किसी भी व्यास का डायमेंशन फिल इन द ब्लैंक्स के साथ जुड़ा होना चाहिए, इसका राइट आंसर की बात करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा किसी भी व्यास का डायमेंशन डी के साथ जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब दो रेखाओं को समकोण बनाते हुए मिलाया जाता है तब ये रेखाएं परस्पर कहलाती है, जब दो रेखाओं को समकोण बनाते हुए मिलाया जाता है तब ये रेखाएं परस्पर कहलाती है, इसका करेक्ट आंसर क्या कहलाती है दोस्त, तो ये जो है लंबवत रेखा कहलाती है। जब दो रेखाओं को समकोण बनाते हुए मिलाया जाता है, जब ये रेखा जो है ऑलरेडी ये जो ऐसे जो रेखा बनेगा ये आपस में जो है लंबवत रेखा बोलेगा, और ये जो है हर किसी जो है हर कोई समकोण रेखा, समकोण 90 डिग्री के एंगल बना रहा है, ठीक है, ध्यान में देख सकते हैं आप लोग फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं जो हर एक रेखा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको लंबवत रेखा बोलते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र में रेखा का उदाहरण क्या, ये जो चित्र है ये रेखा का उदाहरण कमेंट में जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत सिंपल एंड ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ पॉइंट है, ये जो है तिर्यक रेखा बोलते हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, ये 45 डिग्री पे तिर्यक रेखा बनता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु खंड रेखा दर्शाई जाती है ड्राइंग में, लघु खंड रेखा ड्राइंग में दर्शाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीन के पुर्जों के लिए, मशीन के पुर्जा बनाने के लिए लघु खंड रेखा को दर्शाया जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लघु खंड रेखा की मोटाई क्या होती है, ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहे हैं लघु खंड रेखा का मोटाई कितना होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, लघु खंड रेखा का मोटाई 0.4 mm से 0.5 mm, इस जो पॉइंट ये फिगर जो मैं डिस्कस किया हूं ये आप लोग याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, 0.4 mm से 0.5 mm लघु खंड रेखा की मोटाई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ देगा। अदृश्य रेखा में डैश होता है, अदृश्य रेखा जो होता है
उसमें डैश जो होता है अदृश्यकों को डॉटेड लाइन से जो डिनोट करते हैं उसका डैट डैश जो होता है वो कितना एमएम का होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्त 2 mm से 3 mm, ये भी जो है राउंड फिगर, आपको इसे याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट पूछ सकता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वक्र रेखा में कितने डिग्री का कोण बनता है, वक्र रेखा में कितने डिग्री का कोण बनता है, इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त नन ऑफ दीज, क्योंकि वक्र रेखा जो होता है ये ऐसे होता है, वक्र यहाँ पे ऐसे पूरा इस तरह का नहीं होता है, ऐसे कर्व की तरफ होता है, ऐसे इसमें किसी तरह का कोण नहीं बनता, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देगा वक्र रेखा में कितने डिग्री का कोण बनता है, नन ऑफ दीज इसलिए होगा क्योंकि वक्र रेखा में कोई भी कोण नहीं बनता, कोई भी एंगल वक्र रेखा में नहीं बनता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समांतर रेखा हो सकती है, समानांतर रेखा हो सकती है, इसका करेक्ट आंसर जो है समांतर रेखा जो है उपयुक्त में से सभी हो सकती है, सीधा हो सकती है, वक्राकार, तिरेक, हर तरह का हो सकती है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रकार की रेखा किसे कहते हैं, एक प्रकार की रेखा किसे कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु रेखा को एक प्रकार की रेखा कहते हैं। एरो हेड हमेशा सटा रहना चाहिए, एरो हेड हमेशा सटा रहना चाहिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त डायमेंशन रेखा और विस्तार रेखा दोनों से एरो हेड सटा हुआ रहना चाहिए। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किन रेखाओं का विमांकन नहीं किया जाता, इस क्वेश्चन का कमेंट हर किसी से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कमेंट हर कोई जो भी वीडियो देख रहे हो हर किसी से कमेंट ये इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है, 64 का करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्त, अदृश्य रेखा का जो है डायमेंशन लेस होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, याद कर लो अदृश्य रेखा का कोई जो होता है उसका, क्योंकि अदृश्य रेखा का जो है कोई डायमेंशन नहीं होता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विस्तार रेखा एक दूसरे को काटती है, विस्तार रेखा एक दूसरे को काटती है, विस्तार रेखा एक दूसरे को खाली जगह काटती है, विस्तार रेखा दोस्त एक दूसरे को कभी नहीं काटती, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेक्शन रेखा द्वारा क्या दिखाया जाता है, सेक्शन रेखा द्वारा क्या दिखाया जाता है, वस्तु का कटा हुआ भाग दिखाया जाता है। ऑलरेडी जो है क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन रेखा द्वारा वस्तु का कटा हुआ भाग दिखाया जाता है। ठीक है, इस तरह का कुछ फिगर होगा, ठीक है, वस्तु का कटा हुआ भाग, ये जो रेखा की बात करते हैं ये जो रेखा सेक्शन रेखा की तरह है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीर्घखंड रेखा है, दीर्घखंड रेखा क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी प्रकार की रेखा को दीर्घखंड रेखा बोला जाता है, दीर्घखंड रेखा को कहते हैं, दीर्घखंड रेखा को क्या बोला जाता है दोस्त, दीर्घखंड रेखा को अदृश्य रेखा डॉटेड लाइन भी बोला जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायमेंशन किसी भी व्यू के फिल इन द ब्लैंक्स होनी चाहिए, डायमेंशन किसी भी व्यू के बाहर होना चाहिए। ठीक है, किसी भी व्यू का डायमेंशन बाहर होना चाहिए, ना कि अंदर की ओर, जैसे ये फिगर है, ठीक है, मान लेते हैं ये रेक्टेंगल का फिगर है, तो डायमेंशन अगर देना है तो यहाँ पे मान ले 30 डिग्री का इसका लेंथ है, 30 यहाँ पे नहीं दे सकते हो, ये इसका डायमेंशन बाहर होगा 30। ठीक है, ये राइट प्रोसेस है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छोटा डायमेंशन हमेशा वस्तु के फिल इन ब्लैंक्स होना चाहिए, छोटा डायमेंशन हमेशा वस्तु के नजदीक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी छोटा रूम में डायमेंशन फिगर ही छोटा है, तो वस्तु के नजदीक रहेगा तभी उसका क्लियरिटी पता चलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरो हेड प्रयोग में लाई जाती है, एरो हेड प्रयोग में डायमेंशन लाइन को शॉर्प करने में लाई जाती है। ठीक है, एरो हेड जो है डायमेंशन लाइन को शॉर्प करने में यूज किया जाता है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन को लास्ट तक वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राइंग होता क्या है। ड्राइंग वर्ड आया किस लिए, इंजीनियरिंग टेक्निकल बैकग्राउंड में ड्राइंग वर्ड आया किस लिए, तो ड्राइंग वर्ड पहले सब लोग ये समझ लो कि ड्राइंग वर्ड होता क्या। ड्राइंग के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि ड्राइंग एक जो होता है टेक्नोलॉजी विधि से जो है हम लोग एक डिजाइन करते हैं, किसी चीज को ड्रा करते हैं। इंजीनियर लोग क्या करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट से लेकर इंस्ट्रूमेंट से जो है उसका ड्रा करते हैं, डिजाइन करते हैं। जैसे सिविल इंजीनियर हो गया, क्या करते हैं उन लोग, एक पिक्चर को जो है किसी भी प्लॉटिंग करना होता है, किसी भी घर का डिजाइन बनाना होता है, उसका एक हर एक स्केलिंग किया जाता है, स्केल से उसको डिजाइन किया जाता है। ठीक है, उसी प्रोसेस को डिजाइनिंग ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है,
हर एक किसी जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का आकार कैसे भी हो सकता है उसके बारे में विचार किया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग विषय में। ये सब हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए भाग एक का नाम क्या है। ये जो चित्र है दोस्त, ये फिगर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो आप लोगों को फिगर दिख रहा है, इस फिगर में जो ए दिख रहा है, ये जो फिगर की बात हो रहा है, ये फिगर का नाम क्या है। इसका ऑप्शन गिवन है एवानी बेंटन्स स्ट्रिप्स एंड नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स इस फिगर का जो नाम है दोस्त, स्ट्रिप्स। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ दे सकता है, इस फिगर ये दे सकता है और फिगर का नाम पूछ सकता है। याद कर लीजिए स्ट्रिप्स इस फिगर का नाम है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करते रहना, दोस्तों के साथ शेयर करते रहना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर किस लकड़ी का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए। टी स्क्वायर किस लकड़ी का बना होता है। ऑप्शन गिवन है जैतून, ओक, बैग, बेल एंड सागवान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त सागवान। टी स्क्वायर जो है सागवान का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और भी हम लोग टी स्क्वायर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टी स्क्वायर होता क्या है, आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं एक सिंपल वर्ड में देहाती भाषा में बोला जाता है, जो होता है क्या उसको बोलते हैं हथौड़ा। हथौड़ा के नाम आप लोग सुनते हैं, उसी को टी स्क्वायर बोला जाता है, ठीक है। ये जो होता है टी स्क्वायर मुख्यतः दो भागों में होता है दोस्त। पहला हैंड तथा ब्लेड है, हैंड होता है, ब्लेड होता है, ठीक है। इसमें जो होता है तीन चार स्क्रूओं की सहायता से 90 डिग्री पर ये सेट किया जाता है, ठीक है। इसका एक स्केलिंग याद कर लीजिएगा, इसके ब्लेड की लंबाई जो होता है प्राय 500 mm से लेकर के 1500 mm तक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं क्योंकि स्केलिंग इसका पूछ सकता है। 500 mm से लेकर के 1500 mm तक टी स्क्वायर ब्लेड की जो होता है लंबाई होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर टी स्क्वायर के हैंड का संयोजन किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर टी स्क्वायर के हैंड का संयोजन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त एवानी। एवानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए इसी टाइप के क्वेश्चन रेलवे के CVT 2 में आने की उम्मीद है, क्योंकि जितना भी मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, जितना टॉपिक मैं कराऊंगा आप लोग उतना याद कर लीजिए, क्योंकि याद कर लीजिएगा तो और बहुत हेल्प होगा, ठीक है। क्योंकि स्पेशली जो ALP का CVT 2 का सिलेबस उसी पैटर्न पे ये बनाया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, सामान्यतः हम किसी भी कोण को मापने के लिए उपयोग करते हैं। किसी भी कोण एंगल को मापने के लिए क्या हम यूज करते हैं। टेक्निकली भाषा में हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली भाषा में एक होता है सेट स्क्वायर होता है, मिनी ड्राफ्टर होता है, प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त प्रोटेक्टर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। समानता हम किसी भी कोण एंगल को मापने के लिए प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टर के बारे में हम लोग कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये प्रोटेक्टर, क्योंकि हर जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट ये टूल्स है, ठीक है। प्रोटेक्टर एक पारदर्शक मटेरियल का बना होता है, ठीक है। पारदर्शक मटेरियल का बना होता है, चारों ओर से एंगल इसमें डिवाइड होता है, सेक्टर वाइज सेक्टर ये डिवाइड होता है, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। इसका प्रयोग रचनात्मक कार्य करने के लिए किया जाता है और कोनों को एंगल मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। यह एक वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार दोनों में होता है, ठीक है। 180 डिग्री का एक होता है, एक 360 का होता है। इसीलिए इतना ये प्रोटेक्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम लोग अपन पूरा डिस्कस कर लिया है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोण मिनी ड्राफ्टर के द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एंगल है जो मिनी छोटा ड्राफ्टर कोण से बनाया जाता है, ठीक है। आप लोग अगर ITI किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, डिप्लोमा किए, आप लोग ड्राफ्टर यूज किए होंगे, क्योंकि बेसिक में होता है ड्राइंग जो होता है, ड्राइंग जो होता है हर किसी का जो फर्स्ट ईयर बेसिक होता है उसमें ड्राफ्टर का यूज होता है। तो ड्राफ्टर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा कौन मिनी ड्राफ्टर के द्वारा बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त उपयुक्त में से सभी 30 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, जो टोटल जो हम लोग मिनी ड्राफ्टर से भी स्केलिंग कर सकते हैं, नाप सकते हैं, बना सकते हैं कौन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इस वीडियो को जितना लाइक कीजिए, लाइक कीजिएगा तो आप भी एक खुद पॉजिटिव मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ने सीखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा, इसलिए वीडियो को लाइक करते रहो और दोस्तों के साथ शेयर करने के मत भूलना, क्योंकि हर किसी के लिए उपयोगी है जो रेलवे CVT 2 का एग्जाम देने वाले हैं।
इस वीडियो इस चैनल पे प्रत्येक दिन पार्ट बाय पार्ट जितना टॉपिक है, जितना टॉपिक हम लोग अपन पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे मैं रेलवे के लिए आप एक बार सिलेबस में देख लीजिए, टोटल टॉपिक जो है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का है, लाइन का प्रोजेक्शन व्यू, सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिट मेजरमेंट, स्पीड वेलोसिटी, वर्क पावर एनर्जी, मास, वेट डेंसिटी, जितना भी है, हीट टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, टोटल अपन जो है इस चैनल पर डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट। इस चैनल पे जो बेसिक इंजीनियरिंग का सेकंड पार्ट है, इस वीडियो को कंटिन्यू बने रहे, स्किप करने की कोशिश नहीं की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, दिए गए चित्र में कोण जो है अल्फा जो कोण यह है इसका मान क्या है। ये आपने अगर त्रिगो भी पढ़े होंगे तो भी इस चीज को निकाल सकते हैं, ठीक है। दिए हुए कोण में जो है अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है कितना एंगल है, ठीक है। अपन ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है दोस्त, एंगल ये जो है कितना है, तो अपन ये निकाल सकते हैं। अगर आप लोग पढ़े हुए ट्रिगो में तो वहां पे आपको पता होगा कि एंगल जो होता है, समकोण जो होता है 90, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री होता होता है, ठीक है। टोटल ट्रायंगल का एंगल होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री है, यानी टोटल मिला करके 45 कितना हो गया 90, 90 डिग्री। तो ये हो गया टोटल, अपन 180 होता है तो ये 90 हो गया, ये अपन ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ऑलरेडी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और आपको ये पता होगा कि जो प्लेन एंगल जो होता है इसपे एंगल बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है, आप लोग को याद होना चाहिए ये चीज, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये 180 डिग्री का एंगल होता है, तो 180 डिग्री में ये अपन हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, यानी 9 × 3 = 12 120 डिग्री हो गया। 120 डिग्री यानी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और घटा भी देते हैं 180 डिग्री माइनस कितना 120 डिग्री, तो बच जाता है कितना 60 डिग्री बच जाता है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 60 डिग्री होगा, याद कर लीजिएगा 60 डिग्री आप निकाल सकते हैं एंगल वाइज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको एंगल पूछ देगा, ये एंगल निकालने के लिए ये एंगल गिवन रहेगा, इसका निकालने के लिए गिवन कर देगा, इसलिए इस चीज को आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहो, अगर लाइक नहीं किया तो चैनल फर्स्ट और विजिट करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो बहुत इंटरेस्टिंग स्पेशली जो है रेलवे के लिए सेशन चलाया जा रहा है इस चैनल पे, ठीक है। और जल्द ही जो है इस चैनल पे ऑलरेडी जो है इसमें करंट अफेयर्स का ऐसा ऐसा सीरीज चलाया गया है, जिससे आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। रेलवे एलपी सीबीटी वन बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए उस एक वीडियो से, करंट अफेयर्स का टॉप 500 का सेशन जो है, दो वीडियो अपलोडेड है इसमें, और उसी से हुबहू क्वेश्चन करंट अफेयर्स बहुत से शिफ्ट में आया है, इसलिए इस चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, सेट स्क्वायर की भुजा, सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से, सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से टेढ़ी हो जाती है, इसमें सेट स्क्वायर में क्या अंतर आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग सेट स्क्वायर एक इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग सही से अगर लैब वगैरह किए होंगे, अगर आईटीआई किए है, अगर बीटेक वगैरह किए है, तो सेट स्क्वायर आप लोग जरूर यूज किए होंगे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का जो बोल रहे, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सेट स्क्वायर से हम लोग क्या मापते हैं दोस्त, एंगल मापते हैं, कोनों को मापते हैं, ठीक है। सेट स्क्वायर में क्या अंतर आ जाता है, उसमें एंगल कोनों का अंतर डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं, आईएसआई के अनुसार T2 स्क्वायर का मानक आकार क्या है। आईएसआई के अनुसार जो है T2 स्क्वायर का मानक क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 700, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। T2 स्क्वायर का मानक जो है उसका 700 इसका मानक आकार है, याद कर लीजिएगा, कांस्टेंट फिक्स है, आईएसआई का द्वारा फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण बीमाएं मापने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण इंस्ट्रूमेंट है जो बीमा मापने के लिए यूज किया जाता है, डायमेंशन मापने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन गिवन है स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास, नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राइट आंसर इसका स्केलिंग किया जाता है, प्रोटेक्टर जो होता है, ये क्या बोल रहा है, स्केल से जो है हम लोग बीमाएं मापने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, स्केल से बीमा मापने के लिए यूज करते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्क्रीन पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन आ गया है। कंपास के किस लैग में पेंसिल की लीड लगाने की आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपास के किस लैग में पेंसिल की लीड लगाने की व्यवस्था होती है। आप लोग कंपास जो होता है 10th क्लास तक आप लोग बहुत कंपास का यूज किए होंगे, आप लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, कमेंट करते रहिए, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से सेल्फ मोटिवेट हो जाएगा क्वेश्चन का, जितने क्वेश्चन के उस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं वो डिस्क्राइब जरूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको डिस्क्राइब कीजिएगा तो आपको एक फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग आएगा और खुद ब खुद याद होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समंजनीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा समंजनीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर सेट स्क्वायर चांदे तथा स्केल का कार्य किस ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जा सकता है। टी स्क्वायर सेट स्क्वायर और चांद तथा स्केल का कार्य किस ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर अगर यूज किए हुए होंगे तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि सेट स्क्वायर चांद भी उसमें होता है इंक्लूड ऑलरेडी, वो जितना होता है मिनी ड्राफ्टर में ये सब इंक्लूड होता है, उसी की हेल्प से हम लोग वो माप कर सकते हैं, मेजरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट कीजिए। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर होता है दोस्त 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर अगर बात करें तो 10 mm होता है, याद कर लीजिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIS द्वारा डायमेंशन में ही प्रदर्शित किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, BIS के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, इसका करेक्ट आंसर होता है BIS द्वारा डायमेंशन MM में जो होता है प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्त, BIS का फुल फॉर्म भी आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी रेलवे में फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। BIS का फुल फॉर्म होता है दोस्त ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, क्योंकि जितना भी इंस्ट्रूमेंट है उस हर किसी इंस्ट्रूमेंट का कॉन्स्टेंट वैल्यू फिक्स मानक जो होता है ये दर्शाता है BIS, इसे याद कर लीजिएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले ये जो होता है ISI के नाम से जाना जाता था, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता था, इसी को जो है हम लोग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। कहीं कहीं ISI के जो होता है कॉन्स्टेंट वैल्यू गिवन रहता है, कहीं BIS का गिवन रहता है, ठीक है, इसके अनुसार इंटीग्रेटेड रहता है, फिक्स वैल्यू दिया जाता है, साइज रेखा का आकार आवरण डायमेंशनिंग संबंधित हर सिद्धांत का फिक्स वैल्यू दर्शाता है, इसीलिए क्वेश्चन में पूछ रहा है BIS का डायमेंशन जो होता है MM में दर्शाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, निम्न में से कौन सा टाइटल ब्लॉग में लिखा नहीं जाता, क्वेश्चन में ये बोल रहा है निम्न में से कौन सा टाइटल ब्लॉग में लिखा नहीं जाता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी के लिए क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी, आप लोग यूज किए हुए होंगे अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीट का आकार। देखिए टाइटल ब्लॉग में किस चीज लिखा नहीं होता है, इसमें का राइट आंसर हो जाएगा सीट का आकार। हम लोग जो है पूरा डिस्कस करने वाले हैं, क्या टाइटल ब्लॉग जो बनाया जाता है उसके बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं, जो सीट का आकार होता है, इसका जो होता है सीट का आकार जो होता है उसे टाइटल ब्लॉग में नहीं लिखा जाता है, याद कर लीजिएगा, ताकि सीट नंबर स्केल दिनांक जो होता है टोटल इसमें इंक्लूड किया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से आपको पता होगा, आप ये जो होता है आप लोग यूज किए हुए होंगे, इसका साइज भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, साइज याद कर लीजिए 85 mm से 65 mm इसका साइज होता है, ये BIS के जो है ये फिक्स वैल्यू दिया गया है 85 mm से 65 mm, ठीक है, और ये लिखा कहा जाता है दोस्त, ये सीट के जो होता है दाई तरफ लिखा जाता है, कोना में बनाया जाता है, नीचे की तरफ कोना में बनाया जाता है, दाई तरफ, याद कर लीजिए, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि टाइटल ब्लॉग जो होता है कहां पे बनाया जाता है, तो दाईं तरफ कोना में बनाया जाता है नीचे की तरफ, इसमें क्या क्या लिखा जाता है ये याद ध्यान दीजिएगा, नाम लिखा जाता है, क्लास लिखा, फॉर्मेट तैयार किया गया है, ध्यान दीजिएगा, नाम, क्लास, रोल नंबर, स्टेशन नंबर, स्केल जिस स्केल का यूज कर रहे हैं वो लिखा जाता है, नेम ऑफ जो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वो चीज को डिफाइन किया जाता है, एंड सीट नंबर लिखा जाता है, स्केल लिखा जाता है, एंड चेक बाय लिखा जाता है, चेक बाय भी आप लोग ध्यान दीजिए, चेक बाय भी लिखा जाता है, टाइटल ऑफ सीट भी लिखा जाता है, इतना चीज उस चीज में लिखा जाता है, एक फॉर्मेट है, ठीक है, और इसका जो होता है सेप साइज होता है 185 mm से 65 mm होता है इसका सेप साइज, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसमें सिर्फ सीट का आकार जो है नहीं लिखा जाता, इसलिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन सा चीज नहीं लिखा जाता, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीट का आकार नहीं लिखा जाता। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिएगा, क्योंकि लाइक कीजिएगा तभी जो है आप लोग को भी पढ़ने में मजा आएगा, हम लोग पढ़ाने में आप लोग बहुत अच्छा मजा आएगा, हम लोग मिलकर कुछ यूनिक अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टडी इंडिया टीम आप लोगों के लिए बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने का कोशिश कर रहा है, इसीलिए चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटी कंपास द्वारा कितने व्यास के वृत्त व चाप खींची जा सकती है, छोटा कंपास द्वारा
कितने व्यास के ब्रीथ वो चाप खींची जा सकती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका करेक्ट आंसर 25 mm से 50 mm, 25 mm से 50 mm तक जो होता है छोटी कंपास से जो होता है ब्रीथ का व्यास चाप खींचा जा सकता है। इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितना भी डिस्कस कर रहे हो इस वीडियो में, इस सेशन में, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन 2 से 3 बार, 3 से 4 बार आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा तो कभी नहीं भूल पाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्राइंग बोर्ड पर बटन लगाने का उद्देश्य क्या होता है? ड्राइंग बोर्ड में बटन लगाने का उद्देश्य क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पट्टियों को सपोर्ट देना। ड्राइंग बोर्ड पे जो बटन लगाया जाता है वो किस लिए लगाया जाता है? पट्टी को जो होता है उसमें उसको सपोर्ट दिया जाता है उससे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग सीट का माप 194 mm एंड 141 mm होता है। कौन से ड्राइंग सीट का माप जो होता है 194 mm से 141 mm होता है? अपन ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त A1। A1 साइज का जो ड्राइंग सीट होता है, A1 साइज का ड्राइंग सीट उसका जो डायमेंशन होता है 194 mm से 841 mm होता है, याद कर लीजिएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D0 वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है? डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशली ये जो है टेक्निकल बैकग्राउंड से बहुत रेले रिपीट होता है, इसलिए सब जितना पढ़ा रहा हूं हर क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दोस्त, हाँ, D0 वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर 1500 × 1000 × 25 mm, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटल ब्लॉक ड्राइंग सीट पर कहां बनाया जाता है? टाइटल ब्लॉक ड्राइंग सीट पर कहां बनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीचे दाएं की तरफ। देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर लिए है, ऑलरेडी क्वेश्चन आपको आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइटल ब्लॉक आप लोग अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से तो जरूर टाइटल ब्लॉक आप लोग लिखे होंगे ड्राइंग सीट पे, ये जो होता है दाईं तरफ नीचे लिखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के ब्रीथ खींचने के लिए किया जाता है? बड़ा कंपास जो यूज किया जाता है माप के लिए, मापने के लिए जो है यूज किया जाता है। इसका अपन राइट आंसर देखते हैं तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्त, जिसकी त्रिज्या 50 mm से अधिक है उसमें बड़ा कंपास का यूज किया जाता है। टाइट जो होता है वृत्त खींचने के लिए यूज किया जाता है, सर्कल खींचने के लिए यूज किया जाता है, जिसका त्रिज्या 50 mm से अधिक है उसमें यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस चैनल के साथ आप लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितना ALP CBT 2 का जो सिलेबस है पार्ट बी का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल का, टोटल इस चैनल पर कराया जाएगा, ठीक है। और जो सिलेबस रेलवे दिया वही सिलेबस पे पूर्णतः नया सिलेबस में जो है आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता लग ही जाएगा कि कितना जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सेशन रहा होगा। आप लोग जरूर कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा कैसा सेशन रहा, और ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, 45, 45 और 90 डिग्री कोनों के सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 45, 45 और 90 डिग्री कोन के सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त 20 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे काले रंग की पट्टी को क्या कहते हैं? अगर देखिए टोटल जितना डिस्कस हो रहा है, अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो हर चीज आपको पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। सिर्फ एक और रिवाइज करने की जरूरत है, रिवाइज कर लीजिएगा तो वो खुद ब खुद दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग बोर्ड ये सब हम लोग पूरा यूज किया है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर आप लोग है तो यूज जरूर किए होंगे, अगर ITI से है तो भी आप लोग ये सब यूज किए होंगे इसके लिए, अगर वर्कशॉप वगैरह लगाए होंगे तो। ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे काले रंग की पट्टी को क्या बोला जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवोरी, इसको बोला जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी स्क्वायर अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह दिखता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टी स्क्वायर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, सिंपल कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड देख चेक कर रहा है क्वेश्चन में। टी स्क्वायर अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह दिखता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह दिखता है। टी स्क्वायर कैसा रहता है? ऐसे रहता है, टी की तरह रहता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्त,
नेक्स्ट क्वेश्चन आईएसआई के अनुसार A3 ड्राइंग सीट का माप क्या है, आईएसआई के अनुसार A3 ड्राइंग सीट का माप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A1, A2, A3 जितना है, A4 सीरीज जो ड्राइंग सीट है, हर किसी का वैल्यू आपको याद होना चाहिए क्योंकि वैल्यू भी डायरेक्ट आपको स्टेप पूछ सकता है, ठीक है। आईएसआई के अनुसार A3 ड्राइंग सीट का माप क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त 297 mm एंड 420, 297 × 420 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बात करते हैं, हम लोग जो पेंसिल यूज करते हैं हम लोग ड्राइंग बनाने के लिए, उसका क्वेश्चन आ गया है 4H, 5H से लेकर के 9H किस पेंसिल का उदाहरण है। देखिए आप लोग पेंसिल जो ड्राइंग शीट में यूज करते होंगे तो पेंसिल पे 4H, 5H करके 5B, 2B ये करके ऐसे करके लिखा हुआ उसका कोडिंग रहता है, हर कोडिंग का अलग अलग मतलब है, ठीक है। अगर 4H, 5H, 9H अगर H सीरीज में लिखा हुआ है तो समझ जाएगा कि हार्डनेस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। हार्डनेस, H हार्डनेस को डिनोट करता है, B ब्लैकनेस को डिनोट करता है, 4B, 2B ऐसे रहता है ब्लैकनेस को डिनोट करता है, ठीक है। इसमें बोल रहा है 4H, 5H से लेकर के 9H किस पेंसिल का उदाहरण है, इसका राइट आंसर को देखते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा कठोर पेंसिल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। H4 हार्डनेस होता है इसलिए कठोर पेंसिल का ये उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने से आप मोटिवेट हो जाएगा, खुद एक अंदर एक आप लोगों के लिए पॉजिटिव फीलिंग आएगा, याद करने मजा आएगा, ठीक है। सेशन को एंजॉय करते रहिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग बोर्ड के नाम से सही साइज का मिलान कीजिए। देखिए हर किसी का अलग अलग डायमेंशन हम लोग बात कर रहे थे, उसी पे एक और क्वेश्चन आ गया, ड्राइंग बोर्ड के जो है सही साइज का मिलान कीजिए। अपन मिलान करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक का दूध देख होगा, हाँ ये जो है ए का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डी जीरो का हो जाएगा 1500 × 1000 × 25। उसी तरह से बी का 4 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। D1 साइज का क्या होता है 1000 × 700 × 25 होता है। उसी तरह से C1 का क्या हो जाएगा, C1 का 1 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। D2 साइज का होता है 700 × 500 × 15, ये साइज आप लोग याद कर लीजिएगा, याद बहुत इंपॉर्टेंट है। D3 की बात करते हैं तो D3 साइज का होता है 500 × 350 × 15, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल 75 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए वीडियो का स्किप करने की कोशिश नहीं कीजिए, लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन है दोस्त, ड्राइंग सीट A0 से A4 तक बढ़ते क्रम में होता है, ठीक है। ड्राइंग सीट A0 से A4 तक बढ़ते क्रम में होता है, इसका मतलब क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त गलत है, A0 से A4 तक बढ़ते क्रम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ड्राइंग बोर्ड D2 का आकार कौन सा होता है, D2 साइज का ड्राइंग बोर्ड का आकार क्या होता है। इसका राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 700 × 500 × 15 mm होता है, ठीक है। 700 × 500 × 15 mm इसका होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट से क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा तथा कोण तीनों को खींचा जा सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जितना इंस्ट्रूमेंट बता रहे हर किसी टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट यूज किए होंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट से क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा तथा कोण तीनों को खींचा जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त मिनी ड्राफ्टर से जो है हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हर तरह का जो है एंगल बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, टी स्क्वायर से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती है, टी स्क्वायर से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती है, क्षैतिज रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मिनी ड्राफ्टर कितने प्रकार के होते हैं, मिनी ड्राफ्टर कितने प्रकार के होते हैं, इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर 3 इसका होता है, मिनी ड्राफ्टर 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चित्र प्रदर्शित भाग पी का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिएगा, ठीक है। टीम जो चित्र में जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर का नाम क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन में रोल पूछ सकता है, फिगर दे देगा, इस फिगर का नाम पूछ देगा, कभी कभी एंगल पूछ सकता है, ठीक है। एंगल तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 हो जाएगा, टोटल 180 होता है, ठीक है। ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। पी का नाम पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लेड, ठीक है। ये जो है ब्लेड का सिंबल है, ठीक है। चित्र प्रदर्शित भाग पी का नाम क्या है, ब्लेड का ये सिंबल है, 32 जो है ये 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ब्लेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट स्क्वायर के
तीन कोणों का योग कितना होता है, सेट स्क्वायर का तीनों कोणों का जो तीनों एंगल होता है उस कोणों का एंगल क्या होता है टोटल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री होता है, तीनों का 180 डिग्री होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी ड्राफ्टर किस उपकरण का कार्य नहीं कर सकता, मिनी ड्राफ्टर किस उपकरण का कार्य नहीं कर सकता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त कंपास। मिनी ड्राफ्टर से टी स्क्वायर प्रोटेक्टर स्केल सब यूज कर सकते हैं लेकिन कंपास उसमें नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से चित्र एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या होगा, ऑप्शन की मैंने 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसका राइट आंसर की ओर बात करते हैं दोस्त, राइट आंसर इसका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका 60 डिग्री हो जाएगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर किस पेंसिल का उपयोग किया जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर किस पेंसिल का यूज किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में जितना क्वेश्चन है, अगर हर क्वेश्चन का अगर आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कमेंट करने से आपको याद रहेगा, हर हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा जिस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर किस पेंसिल का यूज किया जाता है, इसका राइट आंसर की ओर बात करते हैं दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम पेंसिल। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग जो है मध्यम पेंसिल का यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। पेंसिल को कितने भागों में बांटा गया है, पेंसिल को कितने भागों में बांटा गया है, इसका करेक्ट आंसर तीन हो जाएगा, पेंसिल को तीन भागों में बांटा गया है। टी स्क्वायर के साथ सेट टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर कौन सी रेखाएं नहीं खींची जा सकती है, टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर जो है दोनों इंस्ट्रूमेंट को मिलाकर कौन सी रेखा नहीं खींची जा सकती है, इसका करेक्ट आंसर ये बात करते हैं दोस्त, इसका करेक्ट आंसर वक्र रेखा नहीं खींची जा सकती, खड़ा रेखा खींचा जा सकता है, लंबवत खींचा जा सकता है, क्षैतिज खींचा जा सकता है, लेकिन वक्र रेखा नहीं खींचा जा सकता है, इसीलिए इसका राइट आंसर वक्र रेखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पी का वैल्यू, ऑलरेडी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का, कमेंट जरूर कीजिए, जरूर से जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है, इसका राइट आंसर की बात करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट की। इस क्वेश्चन का कमेंट हर किसी से आना चाहिए क्योंकि बहुत इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी ने यूज किए होंगे अगर स्टूडेंट लाइफ में, पेंसिल तो हर कोई यूज करता है दोस्त, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। पेंसिल की लीड जो होती है किस चीज का बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, दिए गए उपकरण का नाम बताएं, ये उपकरण आप लोग यूज किया है, इस उपकरण का जरूर से जरूर कमेंट में नाम बताइए। ठीक है, ये जो आप लोग जरूर यूज किए हैं आप लोग इसका नाम बताइए, क्या ये फिगर में जो दिख रहा है आपका, ये फिगर क्या है, किस चीज का फिगर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इसका कमेंट जरूर और कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, दिए गए उपकरण का नाम बताइए, इसका नाम है दोस्त, नाम की बात करते हैं तो ये चांद इसको बोला जाता है, हर किसी ने देखा है, हर किसी ने यूज किया है, इसीलिए कमेंट जरूर कीजिए, ये जो उपकरण है क्या है, चांद है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्टर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, प्रोटेक्टर का प्रयोग किस चीज को मापने के लिए किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिग्री में कोण को मापने के लिए प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है, डिग्री में एंगल कोण को मापने के लिए प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेंच कर्व है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेंच कर्व है, याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंच कर्व, इसका भी आप लोग कमेंट दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर इस क्वेश्चन का दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। निम्न में से कौन सा फ्रेंच कर्व है, इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्त, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ये जो फिगर है फ्रेंच कर्व का फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका फिगर दे देगा, पूछ देगा ये कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा कर्व है, इसलिए याद कर लीजिएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पेंसिल है, कठोर पेंसिल, हार्डनेस पेंसिल की बात हो रहा है दोस्त, याद कीजिएगा, आपको जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हार्डनेस पेंसिल का क्या कोडिंग होता है, हार्डनेस पेंसिल, इस क्वेश्चन का कमेंट जरूर कीजिए सेक्शन, कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पेंसिल है, दोस्तों इनर्जेटिक होकर पढ़िए तो आपको याद करने मजा आएगा, ठीक है, इसलिए हमेशा इनर्जेटिक रहिए, जब इस चैनल पर वीडियो देखने के लिए स्टार्ट कीजिए एकदम खुद ब खुद इनर्जेटिक होकर के पढ़िए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पेंसिल है, बात कर रहा है दोस्त कठोर पेंसिल की बात कर रहा है, तो 9H जो है कठोर पेंसिल है, ठीक है, 9H जो पेंसिल है कठोर पेंसिल है।
अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस साधन का उपयोग ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने के काम में नहीं आता है? निम्न में से किस साधन का उपयोग ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने के काम में नहीं आता है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। निम्न में से किस साधन का उपयोग ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने में काम में नहीं आता है? इसका राइट आंसर अपन देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डिवाइडर। डिवाइडर का उपयोग जो है दोस्त ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने में काम नहीं आता है, ठीक है। डिवाइडर का अलग ही रोल होता है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल जितना कठोर होता है उतना क्या होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। पेंसिल जितना कठोर होता है उतना फिल इन द ब्लैंक्स क्या निखरता है? इसका राइट आंसर की ओर अपन बात करते हैं, तो इसका जो है हल्का निखरता है, ठीक है। पेंसिल जितना कठोर होता है उतना हल्का, सॉरी यहां पे उच्चारण थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। पेंसिल जितना कठोर होता है उतना क्या फिल इन द ब्लैंक्स है? निखरता नहीं, लिखाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पेंसिल जितना कठोर होता है उतना क्या होता है? लिखाता है, फिल इन द ब्लैंक्स लिखाता है, ठीक है। पेंसिल जितना कठोर होता है उतना हल्का लिखाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कीजिएगा, ठीक है। भी इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, पेंसिल जितना कठोर होता है उतना हल्का लिखाता है, हार्डनेस पेंसिल जो होता है हल्का लिखाता है, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में 45 डिग्री के सेट स्क्वायर में बने कोण एक्स का वैल्यू कितना होगा? सेट स्क्वायर में फिगर देख सकते हैं, होता है सेट स्क्वायर, ठीक है। चित्र में 45 डिग्री के सेट स्क्वायर में बने कोण एक्स का मान पूछ रहा है दोस्त, ये एंगल पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, ठीक है। आप लोग मैथ्स अगर पढ़े हैं तो मैथ्स का तो ऑलरेडी स्टूडेंट हर कोई जानता है, इसलिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। चित्र में 45 डिग्री के सेट स्क्वायर में बड़े कोण एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करते हैं दोस्त, राइट आंसर इसका जो 135 डिग्री का एंगल है, ठीक है। 135 इतना 90 हो जाएगा, 45 यानी 135 डिग्री का ही एंगल है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटल ब्लॉक का माप, टाइटल ब्लॉक का क्या माप होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिए, ठीक है। टाइटल ब्लॉक का माप पूछ रहा है दोस्त, टाइटल ब्लॉक का माप होता है 165 गुने 185 mm होता है, याद कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी ड्राफ्टर का स्केल का कोण कितने डिग्री का होता है? मिनी ड्राफ्टर के स्केल का कोण कितने डिग्री का होता है? इसका राइट आंसर जो होता है दोस्त 90 डिग्री होता है। मिनी ड्राफ्टर का जो स्केल का कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर में कोण जेड का कितना होता है? कोण जेड का वैल्यू पूछ रहा है, कोण जेड का वैल्यू बताइए, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोण जेड का वैल्यू पूछ रहा है दोस्त, कोण जेड का वैल्यू हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। कोण जेड का वैल्यू 150 हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट 594/841 के बाद कौन सा साइज होता है? 594/841 के बाद अपर साइज पूछ रहा है दोस्त, कौन सा होता है? इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो 420x594 होता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः निम्न में से कौन सा उपकरण का उपयोग ब्रीत बनाने के लिए किया जाता है? कमेंट जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन को हर किसी ने यूज किए होंगे। सामान्यतः निम्न में से कौन सा उपकरण का उपयोग ब्रीत बनाने के लिए यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो कंपास, कंपास का यूज होता है ब्रीत बनाने के लिए यूज किया जाता है, हर किसी ने यूज किया होगा, इसलिए कमेंट जरूर इस क्वेश्चन का जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे नरम पेंसिल कौन सा है? नरम पेंसिल की बात हो रहा है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका कमेंट जरूर कीजिए, जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्त, 7B जो होता है ये सबसे नरम पेंसिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सेट स्क्वायर की मदद से कौन सा कोण बनाया जाता है? तब आपको पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। दो सेट स्क्वायर को मिला करके ये जो है कोई एंगल बनाया जा रहा है, उस एंगल का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये एंगल देखिए चित्र में फिगर में देख सकते हैं, दो सेट स्क्वायर को मिला करके एक जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल का वैल्यू पूछ रहा है। इस एंगल का वैल्यू आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एंड जो है हर किसी को यूज किया हुआ ये एंगल है, ठीक है। आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो अब ये सब सिंपल सा
क्वेश्चन है दोस्त त्रिभुज के लिए, आप लोग ये एंगल बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर, इस क्वेश्चन का एंगल बताइए क्या है, जो इसका एंगल है जो दोस्त 105 डिग्री का एंगल है, ठीक है 105 डिग्री का एंगल है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4H 5H से लेकर के 9H को पेंसिल होती है, ऑलरेडी आप लोग हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, इसका कमेंट जरूर से जरूर दीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त कठोर पेंसिल, हार्डनेस देख सकते हैं इसका कोड पर, हार्डनेस इसका कठोर पेंसिल है, पेंसिल में इसका मतलब हार्डनेस है, देख सकते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भाग की टी स्क्वायर से संबंध नहीं है, टी स्क्वायर से संबंध नहीं है पूछ रहा है दोस्त। इसका राइट आंसर की बात करते हैं एवानी, एवानी का जो है टी स्क्वायर से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राइंग बोर्ड के बराबर, ड्राइंग बोर्ड के बराबर टी स्क्वायर की जो होती है लंबाई होती है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कोण सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, निम्न में से कौन सा कोण सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, इसका भी कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट दीजिए, ठीक है। अगर इसका आंसर जान रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 15 डिग्री का एंगल जो है सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों इस चैनल के साथ बने रहिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि टोटल एएलपी सीबीटी 2 का जितने भी टॉपिक है रेलवे के थ्रू जो प्रोवाइड कराया गया है पूरा टॉपिक जो है अपन डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। इसका जो है सीबीटी 2 का सेकंड वीडियो है, कल जो है पार्ट थर्ड वीडियो जो है अपलोड करूंगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्टर, जिसको चांद बोला जाता है, प्रोटेक्टर किस आकार का होता है, प्रोटेक्टर किस आकार का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त अर्धवृत्ताकार होता है, प्रोटेक्टर की बात करते हैं तो अर्धवृत्ताकार होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। प्रोटेक्टर हर किसी का एंगल डिवाइड होता है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एच टू एच तथा 3H पेंसिल होता है, कमेंट कीजिए, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है टॉपिक, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त H2H3H जो होता है ये जो होता है कठोर पेंसिल होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना जो है छोटी वस्तु को बड़ा करने में यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तारक पैमाना, विस्तारक पैमाना को छोटी वस्तु को करने में यूज किया जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तारक पैमाने के निरूपक भिन्न को कहा जाता है, विस्तारक पैमाने के निरूपक भिन्न को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त x रेशियो वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी मशीन को ड्राइंग किस पैमाने से बनाई जाती है, बड़ी मशीन की ड्राइंग किस पैमाने, किस इंस्ट्रूमेंट, किस उपकरण से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त लघुकरण पैमाना, लघुकरण इंस्ट्रूमेंट उपकरण से जो है हम लोग ड्राइंग मशीन जो होता है बड़ा ड्राइंग मशीन, बड़ी मशीन की ड्राइंग जो है लघुकरण पैमाना से हम लोग बनाया जा सकता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुकरण पैमाना का निरूपक अंश होता है, लघुकरण पैमाना का निरूपक अंश होता है। इसका राइट आंसर की बात करते हैं एक होता है, राइट आंसर इसका एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोमीटर, इस क्वेश्चन का हर किसी का कमेंट आना चाहिए, ठीक है, कमेंट जरूर इस क्वेश्चन का दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर मीटर होता है, इस क्वेश्चन का कमेंट में जरूर आंसर दीजिए, इसका क्वेश्चन में जरूर आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर को हम लोग बढ़ते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 10 हेक्टोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 किलोमीटर और 10 हेक्टोमीटर होता है, 1 किलोमीटर वाला बराबर याद कर लीजिए 10 हेक्टोमीटर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुपात 1:x किस प्रकार के पैमाना है, अनुपात 1:x किस प्रकार के पैमाना है। इसका राइट आंसर लघुकरण पैमाना, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी पैमाने की ड्राइंग बनाने हेतु ज्ञात होना आवश्यक है, किसी भी पैमाने की ड्राइंग बनाने हेतु क्या ज्ञात होना आवश्यक है। इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा पैमाना का निरूपण भिन्न होना चाहिए, पैमाना का निरूपण भिन्न होना चाहिए, पैमाना द्वारा दिखाई जाने वाले अधिकतम लंबाई होना चाहिए, मानक मापन की इकाइयां, ये सब जो है किसी भी पैमाने की ड्राइंग बनाने हेतु ये सब आवश्यकता पड़ता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पैमाने का निरूपक भिन्न 30:1 हो तो पैमाना कहलाता है। किसी भी पैमाना का निरूपक भिन्न 30:1 हो तो पैमाना कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तारक पैमाना कहलाता है, उसको विस्तारक पैमाना बोला जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना बड़ी वस्तु को छोटा करने वाला पैमाना कहलाता है। बड़ी वस्तु को छोटा करने वाला पैमाना कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त लघुकरण पैमाना। लघुकरण पैमाना से जो है बड़ी वस्तु को छोटा करने वाला पैमाना इसको बोला जाता है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। BIS के अनुसार मुख्यतः आकार के आधार पर कितने प्रकार का पैमाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 3। BIS के अनुसार जो है मुख्यतः आकार के 3 आधार की 3 प्रकार के पैमाना का यूज किया जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बना हुआ ड्राइंग साइज वस्तु के आकार के बराबर होता है, जब बना हुआ ड्राइंग साइज जो है वस्तु के आकार के बराबर हो तो पैमाना कहलाता है। हर किसी ने ये सब यूज किया है दोस्त, कमेंट में जरूर इस वीडियो को जितना क्वेश्चन है हर किसी ने जो है ये जो क्वेश्चन बना हर किसी ने यूज किया है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, कमेंट करने से खुद एक सेल्फ मोटिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव फीलिंग आएगा तो सेशन बीच वीडियो का सेशन एंजॉय करने में मजा आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त पूर्ण आकार का पैमाना इसको बोला जाता है। ठीक है, पूर्ण आकार का। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनाने हेतु कौन से पैमाने प्रयुक्त करते हैं। घड़ी के पुर्जों को बनाने हेतु कौन से पैमाना यूज करते हैं। इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त इसका लघुकरण पैमाना। घड़ी के पुर्जों को ड्राइंग बनाने के लिए लघुकरण पैमाना का यूज करते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरूपक भिन्न में 20 सेंटीमीटर की दूरी को 1000 मीटर को प्रदर्शित करती है, तब आरएफ बराबर क्या होगा। आरएफ बराबर क्या होगा, इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्त, आरएफ बराबर हो जाएगा 1/500, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निरूपक भिन्न का क्या नहीं होता। निम्न में से निरूपक भिन्न का क्या नहीं होता दोस्तों, इसी टाइप के रेलवे में टेक्निकल क्वेश्चन आने के लिए है। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त इकाई। निम्न में से निरूपक भिन्न का क्या नहीं होता, इकाई उसमें नहीं होता निरूपक भिन्न का। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्ण आकार पैमाना का आरएफ होता है, पूर्ण आकार पैमाना का आरएफ होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:1। पूर्ण आकार पैमाना का रेशियो होता है 1:1। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले दोस्त, पैमाने का निरूपक भिन्न निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पैमाने का निरूपण भिन्न निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसका नोट डाउन कर लीजिए, इसका ये आंसर नहीं होगा, इसका नोट डाउन कर लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ड्राइंग में वस्तु की प्रदर्शित माप। लिख लीजिए, ड्राइंग में वस्तु की प्रदर्शित माप बटा जो होता है वस्तु की वास्तविक माप। ड्राइंग में वस्तु की प्रदर्शित माप बटा वस्तु की प्रदर्शित माप, इसका राइट आंसर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्शन। देख सकते हैं प्रोजेक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें प्रोजेक्शन को हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रक्षेप। प्रोजेक्शन को हिंदी में प्रक्षेप बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्शन कोई भी देखिए कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि वो होता क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम जो एग्जाम देने वाले हैं वो एग्जाम में क्यों इसका रोल है, क्या रोल है उसका। ठीक है, इसलिए प्रोजेक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रोजेक्शन होता है दोस्त किसी वस्तु का प्रोजेक्शन, प्रक्षेप खींचने के लिए वस्तु के किनारे से प्रक्षेप तल तक, वस्तु के जो किनारा होता है उसका उसको प्लेन बोला जाता है, उसके प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर सरल रेखा खींचते हैं। ठीक है, सरल रेखा खींचते हैं, उन सरल रेखा का प्रोजेक्शन प्लेन जो कि जिसको प्रक्षेप तल बोला जाता है, जो बिंदु प्राप्त होती है, जो एक मान लेते हैं एक ये बिंदु है एक ये बिंदु है, इस पे जो सरल रेखा खींचते हैं एक बिंदु प्राप्त होती है, उसे क्रमबद्ध मिलाने में, क्रमबद्ध मान लेते हैं इसको मिलाने में जो एक आकृति तैयार की जाती है, एक आकृति तैयार एक फिगर बनता है, उसी को प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट अपन कहते हैं। ठीक है, आप लोग आई होप आप लोग ये डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
और प्रोजेक्शन के बारे में और भी जान लेते हैं कि प्रोजेक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, प्रक्षेप के टाइप्स कितने होते हैं। प्रोजेक्शन का दो टाइप्स होता है दोस्त, ठीक है, प्रोजेक्शन का कितना टाइप्स होता है, दो। पहला होता है चित्रीय प्रक्षेप, जिसको पिक्टोरियल प्रोजेक्शन बोला जाता है, ठीक है, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन बोला जाता है चित्रीय प्रक्षेप। एंड सेकंड थिंग होता है उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, दूसरा का नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसको लंब कोणीय प्रक्षेप बोला जाता है, ठीक है, लंब कोणीय प्रक्षेप उसको बोला जाता है। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन होता क्या है, चित्रीय प्रक्षेप होता क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। वैसा प्रक्षेप, इसको डिफिनेशन में ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, वैसा प्रक्षेप जिसमें किसी वस्तु के थ्री डायमेंशन में प्रक्षेप एक ही चित्र में दर्शाए जाते हैं, एक ही चित्र में जो है थ्री डायमेंशनल दर्शाए जाते हैं, उसी को जो है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, जिसको चित्रीय प्रक्षेप बोला जाता है, ठीक है। अदर थिंग नेक्स्ट जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसको लंब कोणीय प्रक्षेप बोला जो है, उसका डिफिनेशन के रूप में हम लोग ये जान सकते हैं कि यह एक टेक्निकल ड्राइंग है, ठीक है, हम लोग तो टेक्निकल पढ़ रहे हैं तो टेक्निकल ड्राइंग होगा, वास्तविक सी बात है, ठीक है। इसमें कम से कम तीन व्यू खींचे जाते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा दोस्त कि जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कितना व्यू खींचा जाता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें जो है कम से कम तीन व्यू खींचा जाता है, जिसमें ऑब्जेक्ट का पूर्ण ज्ञान संभव होता है, ठीक है। तीन व्यू के मतलब, इसमें तीन व्यू कौन कौन हो सकता है, इसमें जैसे आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से आप लोग जाने होंगे, जैसे वर्कशॉप किए होंगे तो वहां पे ड्राफ्टर वगैरह यूज किए होंगे, वहां पे जो है अगर प्रोजेक्शन बनाए होंगे तो उसमें तीन व्यू के मतलब होता है दोस्त, साइड व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, यही तीनों व्यू जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में होता है, टॉप, साइड एंड फ्रंट व्यू होता है, ठीक है। एक बात और डिस्कस कर लेना चाहता हूं दोस्त, प्रोजेक्शन से रिलेटेड, कि जो ड्राइंग बनाते समय ड्राइंग शीट पर जो है हम लोग चार भागों में डिवाइड करते हैं, जो ड्राइंग शीट होता है इसको चार भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे ड्राइंग शीट है इसमें चार भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा ड्राइंग शीट पे जो कितने भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको चार भागों में याद कर लीजिए, चार क्वाड्रेटर में जो है इसको डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड ये होता है, एंड थर्ड ये होता है, एंड फोर्थ ये होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है। और ये जो प्लेन होता है, देखिए चार क्वाड्रेंट क्या होता है, ये प्लेन, देखिए यहां पे जो फिगर बनेगा इस टाइप का कुछ बनेगा, हाँ इस टाइप का कुछ फिगर बनेगा, इसको फिगर प्लेन की तरह बना सकते हैं, प्लेन में अगर फिगर बनाते हैं तो मान लेते हैं ये प्लेन है। ये जो प्लेन हुआ दोस्त, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लेन हुआ वर्टिकल प्लेन हुआ, और ये प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ, ठीक है। ये जो खड़ा वाला है वर्टिकल प्लेन, ये जो है इस टाइप का जो प्लेन होगा वो वर्टिकल प्लेन होगा, ये पॉइंट आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। कभी एक पॉइंट और बता देना चाहता हूं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ट्रेस का टाइप, ट्रेस का दोस्तों दो टाइप्स होता है, याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में। ट्रेस का दो टाइप्स होता है, फर्स्ट टाइप होता है हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस। चलते हैं अपन अब क्वेश्चन की ओर, जितना क्वेश्चन है पूरा डिस्कस करूंगा। हाँ देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं उस क्वेश्चन का कमेंट में जरूर से जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आप में खुद एक सेल्फ मोटिवेट होइएगा, सेल्फ मोटिवेट होने से जो पढ़ने में हम लोग को पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, ड्राइंग बनाते समय ड्राइंग शीट को कितने चतुर्थांश में विभाजित किया जाता है, ठीक है, इसको चतुर्थांश कहने मतलब क्वाड्रेट जो होता है उसी को बोला जाता है। ड्राइंग बनाते समय ड्राइंग शीट को कितने क्वाड्रेंट चतुर्थांश में विभाजित किया जाता है, ऑप्शन गिवन है टू, थ्री, फोर्थ एंड नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए, इस क्वेश्चन का कमेंट हर किसी से आना चाहिए, जो वीडियो देख रहे हो हर कोई का स्टूडेंट इस क्वेश्चन का कमेंट करो, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, चार क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है, ऑलरेडी यहाँ पे देखिए डिस्कस कर लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार क्वाड्रेंट में जो है ड्राइंग बनाते समय ड्राइंग शीट को विभाजित किया जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने प्रकार के प्रक्षेप होते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने प्रकार के प्रक्षेप होते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में दो प्रकार के प्रक्षेप होते हैं, याद कर लीजिएगा, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में दो प्रकार के प्रक्षेप होते हैं,
चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, किस प्रक्षेप में एक ही दृश्य में वस्तु की पूर्ण जानकारी हो जाती है? किस प्रक्षेप में एक ही दृश्य में वस्तु की पूर्ण जानकारी हो जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सममितीय प्रक्षेप में। सममितीय प्रक्षेप में जो है वस्तु की एक ही दृश्य में पूरा जानकारी उसमें मिल जाता है। ठीक है, आप लोग ड्राइंग बनाए होंगे वर्कशॉप, अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग का या आईटीआई बैकग्राउंड से हो या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, डिप्लोमा बैकग्राउंड, किसी बैकग्राउंड, टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आप लोग वर्कशॉप जरूर किए हुए होंगे। क्योंकि फर्स्ट ईयर जो होता है दोस्त बेसिक होता है, बेसिक में इंजीनियरिंग ड्राइंग हर किसी को पढ़ना होता है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, हर किसी को, यहाँ तक कि आईटी वालों को जो सीएस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है उन लोगों को भी इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, इसीलिए आप लोग ड्राइंग जरूर पढ़े हुए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आप लोग जवाब दे सकते हो। अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग जरूर समझ में आएगा, आंसर लगा सकते हो। एलिमिनेट करके देखो, हर एक क्वेश्चन को एलिमिनेट करके बनाओगे तो क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्षेप में किस वस्तु के तीरों के विमाओं में प्रक्षेप एक ही चित्र में दर्शाए जाते हैं? जिस प्रक्षेप में किसी वस्तु के तीरों विमाओं के प्रक्षेप एक ही चित्र में दर्शाए जाते हैं, उस प्रक्षेप को क्या कहते हैं, उस प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रक्षेप कहने का मतलब होता है दोस्त, इंग्लिश में उसको प्रोजेक्शन बोला जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा प्रक्षेप क्या है। प्रक्षेप प्रोजेक्शन को बोला जाता है। इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो चित्रीय प्रक्षेप में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जो है फर्स्ट थिंग में जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो है हम लोग डिस्कस कर लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन को कमेंट में जरूर से जरूर आप लोग जवाब दीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंब कोणीय प्रक्षेप, लंब कोणीय प्रोजेक्शन एक फिल इन ब्लैंक्स ड्राइंग है, ये इसका ये भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ठीक है, लंब कोणीय प्रक्षेप एक जो है टेक्निकल ड्राइंग है, लंब कोणीय प्रक्षेप एक टेक्निकल ड्राइंग है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए हैं, इसका भी कमेंट में आंसर जरूर से जरूर दो आप लोग। अब बात करते हैं चित्रीय प्रक्षेप में कितने प्रकार के होते हैं, चित्रीय प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो, वीवीआई लगा लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, चित्रीय प्रक्षेप जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, जो होते हैं इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं जो दोस्त, चित्रीय प्रक्षेप तीन प्रकार के होते हैं। पिक्टोरियल प्रक्षेप जो होता है तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा कौन कौन होते हैं ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पहला नोट डाउन कर लो, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, फर्स्ट थिंग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जिसको सममितीय प्रक्षेप हिंदी में बोला जाता है। सेकंड है ओब्लिक प्रोजेक्शन जिसको तिर्यक प्रक्षेप इंग्लिश में बोला जाता है, ओब्लिक प्रोजेक्शन। एंड द लास्ट थिंग थर्ड जो है प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन जिसको प्रक्षेपण प्रक्षेप बोला जाता है, प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन जिसको प्रक्षेपण प्रक्षेप बोला जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सममितीय प्रक्षेप में तीनों सममितीय अक्ष के बीच के कितने डिग्री का कोण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है एएलपी में। ठीक है, इसलिए जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्त, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं प्रोजेक्शन से तो टोटल इस वीडियो में कवर किया हुआ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली रेलवे के लिए है वो जो है हम लोग रेलवे एंड टेक्नीशियन के लिए जो है वो पूरा डिस्कस किया हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना, स्किप करने की कोशिश मत करना, वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखना। और जो इससे पिछले वीडियो नहीं देखो वो पिछला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि पिछला वीडियो देखोगे तो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, तो और भी पढ़ने में मजा आएगा। इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 120 डिग्री जो होता है सममितीय प्रक्षेप में तीनों सममितीय अक्षरों के बीच जो होता है 120 डिग्री का एंगल होता है, कोण होता है। ठीक है, इसको बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं। सममितीय को बोला जाता है दोस्त, सममितीय को ऑलरेडी हम डिस्कस किए, सममितीय को जो बोला जाता है आइसोमेट्रिक बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आइसोमेट्रिक बोला जाता है। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, ये जो सममितीय प्रक्षेप को आइसोमेट्रिक बोला जाता है। आइसोमेट्रिक के बारे में और भी कुछ बातें डिस्कस कर लेता हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। आइसोमेट्रिक जो होता है, आइसो ये जो तीन वर्ड मिलकर के, आइसो के मतलब होता है इक्वल, ठीक है, आइसो के मतलब इक्वल, एंड मेट्रिक के मतलब होता है मेजरमेंट, मेट्रिक के मतलब क्या होता है मेजरमेंट होता है, यानी इक्वल मेजरमेंट को जो है सममितीय प्रक्षेप में इक्वल मेजरमेंट किया जाता है। इक्वल मेजरमेंट कहने का मतलब जैसे में हम एक एंगल बना रहे हैं, ध्यान दीजिए एक ये है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, ये एक तरह का इक्वल मेजरमेंट हो गया। ये इक्वल मेजरमेंट क्यों हुआ, क्योंकि ये जो एंगल ये जो बन रहा है 120 का बन रहा है, लगभग 120 का बन रहा है, ये भी 120 का बन रहा है, ये भी 120 का बन रहा है, इसलिए इस टाइप का जो मेजरमेंट होता है सममितीय प्रक्षेप जो होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में बनता है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो सममेट्रिक प्रोजेक्शन जो है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जिसको बोला जाता है, इसके लिए इतना पॉइंट जानना बहुत जरूरी था। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रेखाएं सममितीय आइसोमेट्रिक अक्षों के समानांतर होते हैं, जो रेखाएं सममितीय अक्षों के समानांतर होते हैं उसे क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इसको सममितीय रेखाएं जो है, आइसोमेट्रिक लाइन इसको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्त, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं टेक्निकल बैकग्राउंड में, इसलिए कमेंट में जरूर जो क्वेश्चन का आंसर जानते हो कमेंट जरूर करो, क्योंकि कमेंट करोगे तो कुछ सीखने के में मजा आएगा, और उस क्वेश्चन का आंसर जो है जितना जानते हो उतना उस क्वेश्चन के बारे में आंसर दो। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममितीय दृश्य किस मापनी द्वारा बनाया जाता है, सममितीय दृश्य किस मापनी द्वारा बनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक मापनी, रियल फिगर इसमें बनता है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबकोणीय प्रक्षेप, लंबकोणीय प्रोजेक्शन में कम से कम कितने व्यू खींचे जाते हैं, लंबकोणीय प्रोजेक्शन में कम से कम कितने व्यू खींचे जाते हैं। कम से कम तीन व्यू लंबकोणीय प्रोजेक्शन में खींचे जाते हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममितीय प्रक्षेप में किस प्रक्षेप का प्रकार है, सममितीय प्रक्षेप जो है किस प्रक्षेप, किस प्रोजेक्शन का प्रकार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चित्रीय प्रक्षेप का ये प्रकार है, चित्रीय प्रक्षेप का ये टाइप्स है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी जो शुरू में स्टार्टिंग में हम डिस्कस किए हैं उसमें पूरा ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए कमेंट में जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी जानते हो। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर समतल को कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर समतल को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या कहा जाता है दोस्त, ऊर्ध्वाधर समतल को प्रधान समतल एंड रेफरेंस दोनों बोला जाता है, ए एंड बी इसका, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लो। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट का ऊर्ध्वाधर समतल जिसको वर्टिकल प्लेन बोला जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का ऊर्ध्वाधर समतल वर्टिकल प्लेन पर लिए गए व्यू को क्या कहा जाता है, वर्टिकल प्लेन पर लिए गए व्यू को क्या कहा जाता है, उसको फ्रंट व्यू बोला जाता है। ठीक है, उसको फ्रंट व्यू बोला जाता है, नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोण के प्रक्षेप के लिए, किसी भी कोण के प्रक्षेप के लिए ऑब्जेक्ट को तृतीय चतुर्थांश में रखा जाता है, तृतीय चतुर्थांश में रखा जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तृतीय कोण प्रक्षेप पे रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में रखा जाता है तो थर्ड कोण प्रोजेक्शन में वो जो है रखा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममितीय प्रक्षेप को क्षैतिज तल के दोनों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनता है, सममितीय प्रक्षेप के क्षैतिज तल में दोनों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है, नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ठीक है दोस्त, फिगर कुछ इस टाइप का होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, इस टाइप का जो एंगल होता है यही एंगल पूछ रहा है। ठीक है, सममितीय प्रक्षेप में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ये जो इस टाइप का एंगल बनेगा, यहाँ पे जैसे प्लेन एंगल खींच लेते हैं, प्लेन खींच लेते हैं, यहाँ पे जो इसके ऊपर जो ई मिलाने के बाद जो एंगल बनेगा इसी को बोल रहा है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना एक बार, आप लोगों को जानना ये जरूरी है कि कितना एंगल का बनता है, ये 30 डिग्री का एंगल बनता है, नोट डाउन कर लेना, बहुत जरूरी है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में कौन सा कोण प्रक्षेप है, नीचे दिए गए
चित्र में कौन सा कोण प्रक्षेप है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय कोण प्रक्षेप है। ठीक है, ये जो है इस टाइप का फिगर थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, तृतीय कोण प्रक्षेप है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के त्रियक दृश्य, किसी वस्तु के त्रियक दृश्य में ऊर्ध्वाधर क्षैतिज सतहों को विभिन्न संख्याएं होती है, चित्र में कुल कितने ऊर्ध्वाधर सतह है। ठीक है, किसी वस्तु के त्रियक दृश्य में ऊर्ध्वाधर क्षैतिज सतहों की, किसी वस्तु के त्रियक दृश्य में ऊर्ध्वाधर क्षैतिज सतहों की विभिन्न संख्याएं होती है, चित्र में कुल कितने ऊर्ध्वाधर सतह हैं। इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं, चित्र में कुल कितने ऊर्ध्वाधर सतह हैं, आप लोग कमेंट में इसका जरूर से जरूर आंसर दो। सात सतह है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर कितने सतह है दोस्त? सात सतह है, इसमें काउंट डाउन कर सकते हो आप लोग। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कोण के प्रक्षेप में प्लान वस्तु के, प्लान वस्तु के फ्रंट व्यू के ठीक नीचे बनता है, किस कोण के प्रक्षेप में प्लान वस्तु के फ्रंट व्यू के ठीक नीचे बनता है। ठीक है, इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्त, प्रथम कोण जो फर्स्ट एंगल होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो है प्लान वस्तु के फ्रंट व्यू के जो है फिगर नीचे बनता है। ठीक है, आप लोग अगर ड्राफ्टर अगर यूज किए हुए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह चित्र चित्रीय प्रक्षेप कि किस प्रकार का प्रक्षेप है। ठीक है, किस प्रकार का प्रक्षेप है ये फिगर में, ये वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है ये जो फिगर है ये किस तरह का प्रक्षेप है, इसका कमेंट में आप लोग जरूर से जरूर आंसर दो। ये जो है सममितीय प्रक्षेप है, सममितीय प्रक्षेप का फिगर है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सममितीय प्रक्षेप क्या होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दो। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोमेट्रिक शब्द कितने शब्द से मिलकर बना है, ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जरूर से जरूर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में विथ डिस्क्रिप्शन जरूर से जरूर दो। ठीक है, आइसोमेट्रिक जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहला आइसो एंड मेट्रिक, आइसो मतलब इक्वल, मेट्रिक मतलब मेजरमेंट, इक्वल मेजरमेंट इसमें किया जाता है आइसोमेट्रिक में। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सममितीय मापनी द्वारा बनाया गया दृश्य कोण का प्रक्षेप कहलाता है, सममितीय मापनी द्वारा बनाया गया दृश्य कोण का प्रक्षेप कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सममितीय प्रक्षेप, सममितीय प्रक्षेप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सममितीय मापनी में घन की समी कोरे, सभी कोरे को समान रूप से खाली जगह फिल इन ब्लैंक होती है, सममितीय मापनी में घन की सभी कोर को समान रूप से होती है, क्या होती है दोस्त? इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो ये सब समान रूप से सब छोटी होती है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रक्षेप में प्रकार का चयन करें, ये जो फिगर है कौन सा फिगर है, इसका कमेंट में जरूर से जरूर आंसर दो, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये जो है त्रियक, जो है त्रियक प्रक्षेप है, त्रियक प्रोजेक्शन है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सममितीय प्रक्षेप फिल इन ब्लैंक्स अनुपात में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटे हो जाते सममितीय प्रक्षेप फिल इन ब्लैंक्स अनुपात में छोटे हो जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर की बात करते हो दोस्त तो ये हो जाएगा रूट टू रूट थ्री के अनुपात में हो जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, टू रूट टू अनुपात रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वास्तविक मापनी द्वारा बनाए गए दृश्य को कहते हैं, वास्तविक मापनी द्वारा, वास्तविक रियल मेजरमेंट द्वारा बनाए गए पिक्चर को क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सममितीय प्रोजेक्शन, सममितीय अक्ष बोला जाता है। ठीक है, ये जितना जो है क्वेश्चन आ रहा है दोस्त ऑलरेडी डिस्कस शुरुआत में कर चुके हैं, इसलिए कमेंट में जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दो। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न ऑब्जेक्ट के लिए दिए गए विविध दृश्य के समुख दृश्य का चयन कीजिए, निम्न ऑब्जेक्ट में दिए गए, ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया है ये पूछ रहा है कि दिए गए दृश्य के समुख ऑब्जेक्ट का चयन करें, ये चारों में से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है इस टाइप से बनेगा, ये जो है इस फिगर में पूछ रहा है, इसलिए कमेंट में जरूर दो, फिगर में देख करके आप आसानी से बना सकते हो। इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये फिगर इससे जो है सम्मुख दृश्य है।
चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित आयताकार ठोस की सममितीय दृश्य निम्न में से कौन सा है? चित्र में प्रदर्शित आयताकार ठोस की सममितीय दृश्य की क्या है? तो ये ए एंगल बन जाएगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो 30 चित्र में प्रदर्शित सममितीय आयताकार ठोस की सममितीय दृश्य में कौन सा है? ये जो ये इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं एक व्यू यहाँ बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। ये जो एंगल कितना बन रहा है ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल बन रहा है दोस्त, ये एंगल बन रहा है 120, ये भी 120, ये भी 120, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में तीर के निशान की ओर ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा? ये जो ऑब्जेक्ट जो है इस साइड से जो है कैसा दिखेगा ये पूछ रहा है। ऑप्शन में जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये है, आप लोग इस क्वेश्चन का पहले फिगर देख लो, उसके बाद मैं ऑप्शन की ओर बढ़ता हूँ। कमेंट में जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्त, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो फिगर में। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में प्रोजेक्शन टॉपिक से इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आने की उम्मीद है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, स्किप करने कोशिश मत करना, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी चैनल पे अपलोड करता हूँ, जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वही अपलोड करता हूँ। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि एलपी के जो है ये जो सीरीज खत्म होने के बाद जो एसएससी जीडी का स्पेशल जो है इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा मटेरियल, वो भी जो है सीरीज पार्ट बाय पार्ट प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए जो एसएससी जीडी का स्टूडेंट है वो भी जो है इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नीचे दिए गए चित्र में तीर के निशान की ओर से ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा? ये जो है यहां से अगर ऊपर से देखते हैं टॉप व्यू से तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, आप फिगर देखिए पहले, उसके बाद ऑप्शन देखिए, इसलिए और उसके बाद कमेंट कीजिए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्त, ये ऑब्जेक्ट इस टाइप का कुछ ऐसा दिखेगा, देख सकते हैं फिगर में अगर टॉप व्यू से देखा जाए तो। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट यदि द्वितीय चतुर्थांश, अगर यहाँ पे जो क्वाड्रेंट की बात करते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अगर सेकंड की बात कर रहा है या ये जो सेकंड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यदि द्वितीय चतुर्थांश में है तो उसका प्रक्षेप प्रोजेक्शन लिया जाता है तो उसे कहते हैं, इसका राइट आंसर की बात करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्त, उसके द्वितीय कोण प्रक्षेप कहते हैं। इस अगर यहाँ पे बनाया जाए सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर बनाते हैं फिगर, किसी भी फिगर को बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, तो उसे द्वितीय कोण सेकंड एंगल प्रोजेक्शन बोला जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कोण, कौन सा एंगल प्रोजेक्शन मान्य नहीं है? कौन सा एंगल मान्य नहीं है ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है, द्वितीय कोण प्रक्षेप जो है मान्य नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलता है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सममितीय लंबाई वास्तविक लंबाई का कितना गुना होता है? ये क्वेश्चन को एकदम याद कर लो, दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.816। ये जो राउंड फिगर मैं किया हूं इसको याद कर लो, दिमाग में आपको होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई लगा लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। सममितीय लंबाई वास्तविक लंबाई का कितना गुना होता है? 0.186 गुना होता है, ठीक है। इसका एक अनुपात रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है, वो भी नोट डाउन कर लो दोस्त, फॉर्मूला ये होता है सममितीय लंबाई बोटा वास्तविक लंबाई होता है, ठीक है, सममितीय लंबाई अपॉन वास्तविक लंबाई होता है, इसी फॉर्मूला जो है ये जो है निकाला गया है, इसलिए राउंड फिगर मैं कर रहा हूं, इसको याद कर लो। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममितीय मापनी की सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता है, सममितीय मापनी की सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता है, क्या प्रदर्शित किया जा सकता है क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ये जो है वास्तविक लंबाई रियल लंबाई को सममितीय लंबाई में जो है उसको प्रदर्शित दर्शाया जा सकता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। सममितीय वृत्त आकृति में होता है, सममितीय वृत्त आकृति में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ वृत्तीय, कौन सा वृत्त आकृति में होता है ये पूछ रहा है, ये दीर्घ वृत्तीय आकृति में होता है, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सममितीय वृत्त को कितने विधि द्वारा बनाया जा सकता है, सममितीय को जो है कितने विधि द्वारा बनाया जा सकता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये दो विधि द्वारा बनाया जा सकता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिपेक्ष प्रक्षेप समानतः कितने स्टेशन पॉइंट वाला होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर की बात करते हैं, ये एक या दो स्टेशन पॉइंट वाला होता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिपेक्ष प्रक्षेप का प्रयोग, परिपेक्ष प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है, इसका यूज किया जाता है दोस्त सिविल इंजीनियरिंग लोग यूज करते हैं, परिपेक्ष प्रक्षेप का यूज जो होता है सिविल इंजीनियर लोग करते हैं। इसको परिपेक्ष प्रक्षेप जो होता है दोस्त, इसको इंग्लिश में प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन बोला जाता है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, ये जनरली सिविल इंजीनियर करते हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में इन लोग यूज करते हैं भवन या किसी भी वस्तु ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, उसको चित्र को बनाने के लिए इस चीज को यूज किया जाता है, प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन को। प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन उसको क्या, उसको जो है जनरली इस टाइप से हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है वस्तु को निश्चित दूरी से ये जो बनाया जाता है दर्शक प्रक्षेप, दर्शक प्रोजेक्शन एंड तल जो प्लेन होता है और तथा वस्तु के निश्चित दूरी, एक फिक्स्ड कांस्टेंट दूरी पे जो होता है ये आपस में बना करके जो है एक आपस में मिला करके प्रोजेक्शन तैयार किया जाता है, जिसको प्रक्षेप जो परिपेक्ष प्रोजेक्शन, प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन इसको बोला जाता है। जनरली ये जो है सिविल इंजीनियर लोग, अगर आप सिविल ब्रांच से हैं तो आप लोग इस चीज का यूज किए हुए होंगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंब कोणीय प्रक्षेप, लंब कोणीय प्रक्षेप में कम से कम कितने व्यू खींचे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दो, ठीक है। ये जो है तीन तरह से खींचे जाते हैं, लंब कोणीय प्रक्षेप में कम से कम तीन व्यू खींचे जाते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंब कोणीय प्रक्षेप BIS प्रणाली द्वारा मान्य है कि नहीं, BIS प्रणाली द्वारा मान्य है कि नहीं, फर्स्ट जो है लेक्चर, सॉरी सेकंड लेक्चर जो है सेकंड वीडियो में बना रहा हूं उसमें टोटल डिस्कस किया हूं BIS ISO के बारे में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर दोगे, क्योंकि लंब कोणीय प्रक्षेप BIS प्रणाली द्वारा मान्य है कि नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दो, ठीक है। ये जो है BIS लंब कोणीय प्रक्षेप जितना प्रोजेक्शन है BIS प्रणाली द्वारा मान्य होता है, ठीक है, उसी वही जो है अप्रूव करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सत्य है, राइट है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंब कोणीय सममितीय मापनी का अनुपात क्या होता है, ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी हम फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया है, कमेंट में जरूर से 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर आंसर दो, ठीक है, ऑलरेडी आप लोग लिखाया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सममितीय लंबाई बटा वास्तविक लंबाई, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए चित्र को पहचानिए, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, ये जो चित्र है सममितीय मापनी का ये फिगर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सममितीय आइसोमेट्रिक ISO का मतलब क्या होता है, जो सममितीय आइसोमेट्रिक जो में जो यूज होता है जो ISO है इसका मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। फुल फॉर्म होता है दोस्त, ऑलरेडी डिस्कस फर्स्ट सेकंड वीडियो में पूरा डिस्कस किया हुआ ISO BIS के बारे में, इसका कमेंट 42 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट जरूर से जरूर करो, ठीक है। इसको बोला जाता है, फुल फॉर्म की बात बोला जाए तो फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में ये उसका फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा है, सॉरी इसमें क्वेश्चन में फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आइसोमेट्रिक ISO का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ISO का मतलब इक्वल होता है, मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट, ठीक है, ISO का मतलब इक्वल हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर इक्वल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, वीडियो स्टार्ट किए थे उसी वक्त पूरा जो डिस्कस किया हुआ है, इसलिए कमेंट जरूर से जरूर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और कमेंट करो राइट आंसर को। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सममितीय प्रक्षेप में सममितीय रेखाएं छोटी ना की जाए तो अनुपात में बड़ा होगा, ठीक है। यदि सममितीय प्रक्षेप में सममितीय रेखाएं छोटी ना की जाए तो अनुपात में बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, कितना परसेंट बड़ा होगा ये पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22.5% बड़ा हो जाएगा।
चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममितीय वृत्त में प्लॉटिंग विधि से सर्वप्रथम क्या बनाया जाता है? सममितीय वृत्त में प्लॉटिंग विधि से सर्वप्रथम क्या बनाया जाता है? ये जो सर्वप्रथम वर्ग बनाया जाता है ऑलरेडी जो है डिस्कस किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सममितीय पिरामिड को कितने विधियों द्वारा बनाया जाता है? सममितीय पिरामिड को कितने विधियों द्वारा बनाया जाता है? दो विधि द्वारा बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममितीय पिरामिड में बॉक्स विधि में ऑब्जेक्ट को एक फिल इन ब्लैंक्स में बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट को जो है आयताकार में बनाया जाता है। सममितीय पिरामिड में बॉक्स विधि में, अगर बॉक्स सममितीय पिरामिड के बॉक्स विधि की बात कर रहा है, बॉक्स विधि में जो है ऑब्जेक्ट को आयताकार रूप में बनाया जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लिया गया व्यू होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लिया गया व्यू जो होता है टॉप व्यू होता है। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है टॉप फ्रंट एंड साइड व्यू जो होता है, तीन व्यू होता है वो डिस्कस किया हुआ है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रीय प्रक्षेप होता है, चित्रीय प्रक्षेप होता है थ्री डायमेंशन थर्ड डायमेंशनल होता है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंब कोणीय प्रक्षेप में न्यूनतम कितने व्यू खींचे जा सकते हैं? लंब कोणीय प्रक्षेप में न्यूनतम जो है तीन व्यू खींचे जा सकते हैं, डिस्कस किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का प्रक्षेप लेने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? किसी वस्तु का प्रक्षेप लेने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट एंड प्रक्षेप समतल प्रोजेक्टर जो होता है, ये जिसका करेक्ट आंसर सब हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊर्ध्वाधर समतल को कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर समतल को कहा जाता है। दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं इस चैनल पे जितना मैं वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ, उसका पीडीएफ अगर चाहिए, पीडीएफ फाइल में भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप लोग इजिली ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि वहां प्रत्येक दिन इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल का पीडीएफ प्लस वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, इसलिए वहां पे ज्वाइन करो और वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर समतल को कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर समतल को जो है क्या कहा जाता है? रेफरेंस प्लेन एंड प्रधान प्लेन, प्रधान समतल दोनों बोला जाता है, इसलिए राइट आंसर की बात करते हैं ए एंड बी, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर समतल पर लंब कोणीय प्रक्षेप में समांतर रेखाएं लंब होती है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऊर्ध्वाधर समतल के लंब होती है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर समतल के लंब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंब कोणीय प्रक्षेप में वस्तु या ऑब्जेक्ट का किस चतुर्दांश में होनी चाहिए? लंब कोणीय प्रक्षेप में वस्तु या ऑब्जेक्ट का किस चतुर्दांश में होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी भी चतुर्दांश में इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, कोई भी चतुर्दांश, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई भी क्वाड्रेंट में बनाया जा सकता है ऑब्जेक्ट। जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लंब कोणीय प्रक्षेप का ऑब्जेक्ट जो है कोई भी चतुर्दांश में, कोई भी क्वाड्रेंट में बनाया जा सकता है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन का साइड से देखकर किस व्यू में लेने का प्लेन चार रेखाओं में परिवर्तित हो जाती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक बार फिर से बताता हूं। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को साइड से देखकर किसी व्यू में लेने पर प्लेन चार रेखाओं में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, कौन सी व्यू है जो चार रेखाओं में परिवर्तित हो जाती है, क्वेश्चन है पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइड व्यू। साइड व्यू जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को साइड से देखकर किस व्यू, साइड व्यू लेने पर प्लेन चार रेखाओं में परिवर्तित हो जाती है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, सभी टेक्निकल ड्राइंग को किस कोण प्रक्षेप में बनाया जाता है? सभी टेक्निकल ड्राइंग को किस कोण प्रक्षेप में बनाया जाता है? राइट आंसर की बात करते हैं तो ये जो है प्रथम कोण में बनाया जाता है। सभी टेक्निकल ड्राइंग को प्रथम कोण, फर्स्ट एंगल में बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एंड इस वीडियो पर लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिल इन ब्लैंक्स में ऑब्जेक्ट को प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच रखा जाता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लो। फिल इन ब्लैंक्स में ऑब्जेक्ट को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में रखा जाता है।
इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम कोण प्रक्षेप में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो है ऑब्जेक्ट को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में रखा जाता है। आज टोटल व्यू का जो टोटल 43 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमको ये हम लोग ये जानना जरूरी है कि व्यू आखिर होता क्या है, दृष्टिकोण हम लोग को रेलवे में पढ़ने के लिए क्यों इसका रोल दिया है, व्यू होता क्या है। पहले व्यू का डेफिनेशन जानते हैं। व्यू उसको बोला जाता है फ्रेंड्स कि जो कि किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट कि कोई भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट या कुछ जो है उसको पेपर या स्क्रीन पर ड्रा किया जाता है, ठीक है। वो ड्रा करने से जो वस्तु चित्र एक फिगर बनता है उसी को व्यू बोला जाता है, ठीक है। इस सिंपल सा वर्ड में ये चीज डिफिनेशन आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। इससे इसके बाद और भी कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं। व्यू बनते समय चुनाव करते हैं, क्या चुनाव करते हैं दोस्त, कि कैसा व्यू बनाया जा सकता है। पहला जो है वन व्यू ड्राइंग, इसमें जो टॉपिक गिवन है जिसमें है वन व्यू ड्राइंग, टू व्यू ड्राइंग एंड थ्री व्यू ड्राइंग, यानी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, ठीक है। पहले डिस्कस करता हूं वन डायमेंशनल क्या होता है। वन डायमेंशनल वो होता है दोस्त कि किसी भी साधारण ऑब्जेक्ट को किसी भी आकार को दर्शाने के लिए टू व्यू की आवश्यकता होती है, ठीक है, टू व्यू की आवश्यकता होती है। लेकिन किसी स्थिति में किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी स्थिति में ड्रा करने के लिए वन व्यू की आवश्यकता होती है। जैसे मैं एग्जांपल में ले सकते हैं बेलनाकार वस्तु, कोई भी बेलनाकार वस्तु अगर ड्रा करते हैं इसमें वन व्यू की आवश्यकता होती है। वोल्ट, स्क्रू, ये सब इसका एग्जांपल हो गया। बात करते हैं टू व्यू ड्राइंग का। टू व्यू ड्राइंग यानी टू डी डायमेंशनल में क्या होता है दोस्त, कि बहुत सारे वस्तु को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए, पूरा उस फिगर को दर्शाने बनाने के लिए टू व्यू ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है। एंड थ्री व्यू में जो है टोटल उसमें टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू उसमें शामिल किया जाता है। टॉप, फ्रंट, साइड व्यू ऑलरेडी सब डिस्कस कर लिया हूं पिछले वीडियो में, इसलिए पिछला वीडियो आप लोग जरूर से जरूर देख लेना। और बात करते हैं कि रेलवे में हम लोग को क्यों ये पढ़ने के लिए दिया है, व्यू टॉपिक क्यों दिया है। दोस्तों बता देता हूं, किसी भी टूल्स या किसी भी जॉब बनाने के लिए, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या फिर आईटीआई वगैरह कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, तो आप लोग को अगर वर्कशॉप किए होंगे तो जॉब बनाने के लिए जरूर से जरूर वर्कशॉप में आपको इंस्ट्रक्टर वहां पे बोला होगा, ठीक है। इसलिए जॉब बनाने के लिए किसी भी टूल्स को बनाने के लिए उस जॉब को एक फिगर तैयार किया जाता है, डायग्राम तैयार किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई फिगर टू व्यू, थ्री व्यू यानी टू डी डायमेंशन होता है एंड थर्ड डायमेंशन होता है, उसी से वो बनता है, ठीक है। जैसे जिसमें थर्ड डायमेंशन होता है उसमें फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू तीनों मिलाकर के वो चीज बनाया जाता है, ठीक है। एक बात और डिस्कस कर लेता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, कि जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट जो डिस्कस हम लोग किए हुए थे उसी से रिलेटेड इसमें बहुत सा पॉइंट आने वाला है, इसलिए पहले डिस्कस कर लेता हूं। जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कोई भी एक चार्ट पेपर है तो उसमें क्या होता है दोस्त, एक होता है वर्टिकल प्लेन होता है, ये वर्टिकल प्लेन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जो इस पिछले वीडियो नहीं देखे वो लोग देख सकते हैं, उससे पिछले वाला वीडियो। वर्टिकल प्लेन होता है ये जो प्लेन होता है ये, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं, इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। ये जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल सकते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोल सकते हैं। और इसमें हम लोग जो मेन पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, जो ध्यान देना, हर कोई ध्यान दो, स्पीकर पे स्क्रीन पे जरूर से जरूर ध्यान दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता क्या, इसमें होता क्या है कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फिगर बनता है वो कहां बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फिगर बनता है कहां फिगर बनता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फिगर बनता है दोस्त, नोट डाउन कर लो, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके ऊपर बनता है, और वर्टिकल प्लेन के सामने बनता है। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट फिगर कहां बनता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फिगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने बनता है। उसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में कहां बनता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर बनता है एंड वर्टिकल प्लेन के पीछे, वर्टिकल प्लेन है इसके पीछे बनता है, इसलिए नोट डाउन कर लो। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें फिगर कहां बनता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके नीचे बनता है एंड वर्टिकल प्लेन के पीछे, जो वर्टिकल प्लेन है उसके पीछे बनता है। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में देख सकते हैं आप लोग कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे बनता है एंड वर्टिकल प्लेन के
आगे बनता है, वर्टिकल प्लेन के इधर आगे बनता है। इसलिए पॉइंट चारों पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं आप लोग, जो वीडियो में इसके बाद जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसमें इसका बहुत रोल है। आप लोग कमेंट में जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसको कमेंट में आप लोग जरूर से जरूर जवाब दीजिएगा। चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। आज का जो क्वेश्चन है दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेफरेंस लाइन एक दूसरे के फिल इन ब्लैंक्स होती है। रेफरेंस लाइन एक दूसरे के क्या होती है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन गिवन है समानांतर, लंबवत, परिच्छेद, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ये लंबवत होती है। रेफरेंस लाइन एक दूसरे के लंबवत होती है। ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूं इसके पिछले लेक्चर में, ठीक है, इसलिए पिछला वीडियो जरूर देखना, इसके बारे में और भी डिस्कस कर लेता हूं। दोनों लाइन एक दूसरे के लंबवत होती है और उसी लंबवत लाइन को जो है प्रिंसिपल लाइन भी बोला जाता है दोस्त। नोट डाउन कर लो, प्रिंसिपल लाइन उसी लंबवत लाइन को बोला जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ये लंबवत जो है इसका राइट आंसर, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंट व्यू दर्शाया जाता है। ऑलरेडी डिस्कस किया, फ्रंट कमेंट में इस क्वेश्चन का जरूर जवाब देना जो पिछला वीडियो देख चुके हो। फ्रंट व्यू दर्शाया जाता है। ऑप्शन गिवन है वर्टिकल प्लेन पे, एचपी पे, पीपी पे, एपी पे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं, फ्रंट व्यू दर्शाया जाता है वर्टिकल प्लेन पे, फ्रंट व्यू दर्शाया जाता है, नोट डाउन कर लो। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षैतिज सतह जिसको वर्टिकल प्लेन बोला जाता है के सामने फिल इन द ब्लैंक्स होती है। क्षैतिज सतह वर्टिकल प्लेन के फिल इन द ब्लैंक्स होती है। इसका राइट आंसर की बात करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा लंबवत होती है। क्षैतिज सतह वर्टिकल प्लेन लंबवत होती है, क्षैतिज सतह वर्टिकल प्लेन के लंबवत होती है, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेफरेंस प्लेन के किस कोण पर कोई सतह सहायक सतह कहलाता है। रेफरेंस प्लेन के किस कोण पर कोई सतह सहायक सतह कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई भी कोण हो, किसी भी एंगल पे जो है, रेफरेंस प्लेन के किसी भी एंगल पे कोई सतह उसका सहायक सतह कहलाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफाइल प्लेन को कहा जाता है। ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, प्रोफाइल प्लेन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्त, प्रोफाइल प्लेन को सहायक ऊर्ध्वाधर सतह कहा जाता है। प्रोफाइल प्लेन को सहायक ऊर्ध्वाधर सतह कहा जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई से दर्शाया जाता है। एक्स वाई से क्या दर्शाया जाता है, कमेंट इस क्वेश्चन का जरूर से जरूर दो। एक्स वाई को ग्राउंड लाइन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जितना क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से, जो आज जो टॉपिक है व्यू है, जितना क्वेश्चन होता है दोस्त और एकदम सिंपल होता है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, ऑप्शन को इलिमिनेट करके बनाओगे, क्वेश्चन इजीली रूप से आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इलिमिनेट प्रोसेस बहुत बेस्ट प्रोसेस हम मानते हैं उसको, ठीक है। इसलिए ऑप्शन इलिमिनेट करके बनाने कोशिश करो, प्रैक्टिस पहले करो, उसके बाद बनाने बहुत मजा आएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑग्जिलरी व्यू निम्न में से किसे कहा जाता है, ठीक है। ऑग्जिलरी व्यू निम्न में से किसे कहा जाता है दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में और भी डिस्कस कर लेता हूँ ऑग्जिलरी व्यू, क्योंकि ये टॉपिक पहले कवर नहीं किया हुआ। ऑग्जिलरी व्यू जो है उसको दोस्त ये बोला जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो झुका हुआ सतह के समानांतर होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है झुका हुआ सतह, मान लेते हैं प्लेन लाइन है, इसके सतह से थोड़ा झुका हुआ सतह के समानांतर इस टाइप से यहाँ पे अगर कोई फिगर बन रहा है तो उसको जो है उस फिगर को ऑग्जिलरी व्यू बोला जाता है। यहां से अगर देखने का व्यू जो होगा वो ऑग्जिलरी व्यू होगा, ठीक है। कोई भी सतह पर प्राप्त व्यू जो झुकी हुई सतह के समानांतर होती है उसको ऑग्जिलरी व्यू बोला जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जो बोल रहा है ऑग्जिलरी व्यू निम्न में से किसे कहा जाता है, तो ऑग्जिलरी व्यू निम्न में से जो है साइड व्यू, साइड एलिवेशन, प्रोफाइल व्यू, ये सभी को बोला जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। साइड प्रोफाइल, साइड एलिवेशन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इससे पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हो। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम चतुर्थांश जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वस्तु की स्थिति होती है। ऑलरेडी अभी वीडियो स्टार्ट कर किए थे उस टाइम डिस्कस किया हुआ है। इसका कमेंट में आप लोग कमेंट जरूर करो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी जानते हो, ठीक है। इसका ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, प्रथम चतुर्थांश जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में वस्तु की स्थिति होती है। वस्तु की स्थिति कहाँ होती है दोस्त, कमेंट करो,
इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर ए एंड बी दोनों हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने जो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये जो वर्टिकल प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फिगर बनेगा तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर एंड वर्टिकल प्लेन के सामने बनेगा। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ये ए एंड बी दोनों हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय चतुर्दांश, जितना ये क्वेश्चन आ रहा है इसका कमेंट जरूर से जरूर आप लोग दो। द्वितीय चतुर्दांश में वस्तु की स्थिति कहाँ होती है, कमेंट करो, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसका राइट आंसर की बात करते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन के पीछे और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तृतीय चतुर्दांश में थर्ड क्वाड्रेंट में वस्तु की स्थिति कहाँ होती है, इसका भी कमेंट करो आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड सी, वर्टिकल प्लेन के पीछे और हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वाड्रेंट में वस्तु की स्थिति कहाँ होती है, इसका भी कमेंट आप लोग करो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के आगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ऑर्थोग्राफिक व्यू में एक अदृश्य रेखा दूसरे अदृश्य रेखा को कितने डैश द्वारा प्रतिच्छेद करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट रेलवे आपसे पूछ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन वीवीआई कर लो। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक व्यू में एक अदृश्य रेखा दूसरे अदृश्य रेखा को कितने डैश द्वारा प्रतिच्छेद करती है। इसका राइट आंसर की बात करते हैं, दो डैश द्वारा प्रतिच्छेद करती है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तीन अदृश्य रेखा जब किसी कोण पर मिलती है, जब तीन अदृश्य रेखा जब किसी कोण पर मिलती है, अदृश्य रेखा क्या होती है, ऑलरेडी डिस्कस, दोस्तों जितना भी आप लोग को थोड़ा यूनिक वर्ड मिल रहा है वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जो इस वीडियो से पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सभी वीडियो आप लोग देख लो, तो आगे का जितना सीरीज मैं लाने वाला हूँ टोटल आपको समझ में आएगा। ठीक है, जब तीन अदृश्य रेखा जब किसी कोण पर मिलती है तो उसे फिल इन द ब्लैंक्स डैश द्वारा प्रतिच्छेद करते हुए दर्शाया जाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तीन प्रतिच्छेद द्वारा दर्शाया जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जटिल मशीन के निर्माण एवं बनावट को जानने के लिए किस व्यू का प्रयोग किया जाता है। किसी भी जटिल मशीन के निर्माण और बनावट को जानने के लिए कौन सा व्यू को प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शनल व्यू को। सेक्शनल व्यू को प्रयोग करके हम लोग किसी भी जटिल मशीन को जो है बनावट और उसका व्यू जो है जान सकते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फुल सेक्शनल व्यू में वस्तु को आधे भाग में विभाजित किया जाता है, कहां से विभाजित किया जाता है दोस्त आधे भाग में, इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो सेंटर लाइन से उसको विभाजित किया जाता है फुल सेक्शनल व्यू में। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जितना भी मैक्सिमम एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली रेलवे के लिए हो सकता है इस टॉपिक से पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करो। क्वेश्चन है, फुल सेक्शनल व्यू में कटिंग प्लेन के पीछे के अदृश्य रेखा को फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए, इसका राइट आंसर की बात करते हैं कि इसको हटा देना चाहिए। ठीक है, फुल सेक्शनल व्यू में कटिंग प्लेन के पीछे के अदृश्य रेखा को हटा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिंग प्लेन के पीछे के दृश्य रेखा को फिल इन द ब्लैंक्स करना चाहिए। कटिंग रेखा के कटिंग प्लेन के पीछे के दृश्य रेखा को दर्शा उसको जो कटिंग प्लेन जो होता है उसके पीछे के दृश्य रेखा को उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, आप लोग अगर यूज किए हुए होंगे ड्राफ्टर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो आप लोग ये सब चीज टोटल जो पढ़ा रहा हूँ टोटल हूबहू आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, यही है कि थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है, एक बार रिवीजन वीडियो दो से तीन बार जितना मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ उसका दो से तीन बार वीडियो देख लो, आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम समझ में आ जाएगा, टॉपिक समझ में आ जाएगा, क्या टॉपिक है उससे रिलेटेड कितना ऑब्जेक्टिव। देखो रेलवे के लिए स्पेशल जो है हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो है यहाँ पे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप, इसलिए थ्योरी तो पढ़ते ही हो लेकिन ऑब्जेक्टिव जरूर से जरूर डेली प्रैक्टिस करते रहो तो ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ सेक्शनल व्यू में एक चौथाई भाग को अलग करने के लिए प्रयोग की गई काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे के फिल इन ब्लैंक्स होती है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर से पढ़ते हैं। हाफ सेक्शनल व्यू में एक चौथाई भाग को अलग करने के लिए प्रयोग की गई काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है दोस्त, एक दूसरे के
एक दूसरे की लंबवत होती है, ठीक है, एक दूसरे के हाफ सेक्शनल व्यू में एक चौथाई भाग अलग करने वाले जो होते हैं काल्पनिक रेखा, एक दूसरे की क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ सेक्शनल व्यू में वस्तु के कितने भाग की व्यू दर्शाया जाता है। ठीक है, हाफ सेक्शनल व्यू में वस्तु के 1/4 भाग को दर्शाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यू में वस्तु तीनों अक्ष के प्रक्षेप सतह के बराबर कोण बनाते हैं। ठीक है, किस व्यू में वस्तु तीनों अक्ष के प्रक्षेप सतह के बराबर कोण बनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोमेट्रिक प्रक्षेप में, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑलरेडी ये सब डिस्कस किया हुआ है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सममितीय व्यू, सममितीय व्यू वास्तविक आकार फिल इन द ब्लैंक से बड़ा होता है। ठीक है, सममितीय व्यू वास्तविक आकार फिल इन द ब्लैंक से बड़ा होता है। इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं, सममितीय व्यू वास्तविक आकार बड़ा होता है। ठीक है, वास्तविक आकार से बड़ा होता है। सममितीय व्यू रियल व्यू से जो होता है बड़ा होता है। ऑलरेडी सममितीय व्यू डिस्कस किया हुआ है, सममितीय व्यू क्या होता है उसका डिस्क्रिप्शन टाइप्स ऑलरेडी सब डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, सममितीय व्यू के बारे में थोड़ा सा और भी यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इसको आइसोमेट्रिक बोला जाता है। आइसोमेट्रिक मतलब आईएसओ के मतलब होता है इक्वल, एंड मेट्रिक मतलब मेजरमेंट, यानी इक्वल मेजरमेंट आइसोमेट्रिक में किया जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए आइसोमेट्रिक के बारे में। जब किसी वस्तु को इस प्रकार रखा जाता है जो कि सभी तीनों अक्ष तीनों प्रोजेक्शन की सतह बराबर कोण बनाते हैं, ठीक है, उसी को आइसोमेट्रिक बोला जाता है, उस व्यू को सममितीय व्यू एंड प्रोजेक्शन बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममितीय प्रक्षेप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वास्तविक आकार से बड़ा होता है, वही क्वेश्चन है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममितीय अक्ष का निर्माण रेखा एक बिंदु पर कितने कोण मिलाने से बनता है। ठीक है, एक बिंदु पर 120 डिग्री का कोण मिलाने से बनता है। ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये जो मान लेते हैं ये इस टाइप का अगर एंगल बन रहा है इस टाइप के, तो 120 एंड 120 ये व्यू जो बनेगा आइसोमेट्रिक का ये एग्जांपल है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममितीय रेखा सममितीय अक्ष के समानांतर होती है। ठीक है, याद कर लो समानांतर होती है। ऑलरेडी जितना सममितीय रेखा का सममिति से क्वेश्चन आ रहा है ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममितीय रेखा सममितीय अक्ष के क्या होती है, समान, सेम क्वेश्चन है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन के फलक को प्रदर्शित करते हैं कौन प्रदर्शित करते हैं दोस्त, सममितीय करते हैं, क्योंकि घन जो होता है उसी तरह से थर्ड डायमेंशन से बनता है इसी, और थर्ड डायमेंशनल फिगर सममितीय आइसोमेट्रिक से ही बनाया जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममितीय रेखा के साथ वस्तु के अंतर्गत आता है, सममितीय रेखा के साथ वस्तु के अंतर्गत आता है। देखो ये टोटल इसका एग्जांपल है, घन आयताकार प्रिज्म एंड ऑप्शन, देखो ऑप्शन भी इस तरह से दे सकता है, लेकिन आप लोग ए एंड बी दोनों है तो ये नहीं लगा सकते हो, क्योंकि एग्जांपल में तो ये और ये दोनों राइट है आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है दोनों भी नहीं होगा, दोनों इसलिए नहीं होगा दोस्त क्योंकि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन गिवन है ए सब ही ऑल ऑफ दीज, इसलिए राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असममितीय रेखा के साथ वस्तु के अंतर्गत आता है, असममितीय रेखा के साथ वस्तु के अंतर्गत आता है, क्या आता है दोस्त, वस्तु के अंतर्गत पिरामिड के फ्रस्टम ए एंड बी ए सभी। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि पिरामिड असममितीय रेखा जो है उसमें भी थर्ड डायमेंशन यूज होता है, इसलिए पिरामिड एंड पिरामिड के फ्रस्टम सब उसका थर्ड डायमेंशन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र के साथ वस्तु के अंतर्गत आता है, वक्र के साथ वस्तु के अंतर्गत क्या आता है दोस्त, वक्र के साथ वस्तु के अंतर्गत गोलाकार असमान वक्र वृत्त ये सभी आता है, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, वक्र तल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सिलरी व्यू में प्राप्त व्यू झुकी हुई सतह से क्या होती है, ऑक्सिलरी व्यू में प्राप्त व्यू झुकी हुई सतह से क्या होती है, झुकी हुई सतह से समानांतर होती है, ऑक्सिलरी व्यू भी डिस्कस किया हुआ है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसमें ऑक्सिलरी व्यू का प्रयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करो, निम्न में से किसमें ऑक्सिलरी व्यू का प्रयोग किया जाता है,
इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, झुकी हुई सतह के वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए। हाँ, ये भी राइट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ये भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, झुकी हुई लाइन को वास्तविक लंबाई प्राप्त करने के लिए, भी वही चीज बोल रहा है, झुकी हुई लाइन के किनारे का व्यू प्राप्त करने के लिए, ये भी राइट हो जाएगा। इसलिए ये डी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेखा का फ्रंट व्यू क्या होगा, रेखा का फ्रंट व्यू क्या होगा जब रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के समानांतर होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के समानांतर होगा तो एक्स वाई के भी समानांतर होगा। ठीक है, आप लोग अगर ड्राइंग यूज किया है तो ये चीज को आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं, क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा का फ्रंट व्यू क्या होगा जब रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के लंबवत हो। रेखा का फ्रंट व्यू क्या होगा जब रेखा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन के लंबवत हो। ठीक है, क्या होगा दोस्त, एक्स वाई के लंबवत भी होगा। ठीक है, जब रेखा फ्रंट व्यू, रेखा का फ्रंट व्यू क्या होगा जब रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल के लंबवत हो तो एक्स वाई के लंबवत होगा। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा का फ्रंट व्यू क्या होगा जब वर्टिकल प्लेन के लंबवत तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत होगा। रेखा का फ्रंट व्यू क्या होगा जब वर्टिकल प्लेन के लंबवत तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन के समानांतर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंट। इसका राइट आंसर पॉइंट हो जाएगा, रेखा का फ्रंट व्यू पॉइंट होगा जब वर्टिकल प्लेन के लंबवत तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन के समानांतर होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रेखा का हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा वर्टिकल प्लेन में हो, जब कोई भी रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन में हो तो टॉप व्यू में क्या होगा। टॉप व्यू में होगा दोस्त एक्स वाई पर होगा। ठीक है, टॉप व्यू जब भी बनेगा उस कंडीशन में तो एक्स वाई पे बनेगा, एक्स वाई रेखा पे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रेखा वर्टिकल प्लेन में हो तो तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर थीटा डिग्री झुकी हुई हो तो टॉप व्यू क्या होगा। ठीक है, टॉप व्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक लंबाई से छोटा एंड एक्स वाई में होगा। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रेखा समानांतर हो तथा वर्टिकल प्लेन के थीटा डिग्री झुकी हुई हो तो फ्रंट व्यू क्या होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्त, रेलवे में इस टाइप के आने की उम्मीद है, इसलिए क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर की बात करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा एक्स वाई प्लेन से थीटा डिग्री झुकी हुई होगा फिगर वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत हो तथा वर्टिकल प्लेन के समानांतर हो तो फ्रंट व्यू क्या होगा। ठीक है, फ्रंट व्यू की बात कर रहा है दोस्तों, फ्रंट व्यू वास्तविक अगर रियल इमेज वहां पे बनेगा। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत हो तथा वर्टिकल प्लेन के समानांतर हो तो टॉप व्यू क्या होगा। अभी इस क्वेश्चन में टॉप व्यू पूछ रहा है, तो टॉप व्यू होगा एक्स वाई के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेस में हो जाएगा, इसलिए इसका एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, जब प्लेन वर्टिकल प्लेन तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों के लंबवत हो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों के लंबवत हो तो वहां पे व्यू पूछ रहा है, व्यू किसके लंबवत होगा। तो व्यू की बात करते हैं दोस्तों, व्यू जो होगा एक्स वाई के लंबवत एंड वर्टिकल प्लेन पे होगा, एक्स वाई के लंबवत एंड वर्टिकल प्लेन पे होगा, इसलिए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्लेन वर्टिकल प्लेन तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों के लंबवत हो, जब प्लेन वर्टिकल प्लेन तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत हो तो टॉप व्यू क्या होगा। तो टॉप व्यू की बात करते हैं, तो टॉप व्यू होगा दोस्त एक्स वाई के लंबवत एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेस पे होगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस पे एंड एक्स वाई प्लेन के लंबवत होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्लेन वर्टिकल प्लेन के लंबवत तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर झुका हुआ हो तो फ्रंट व्यू क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। जब प्लेन वर्टिकल प्लेन के लंबवत तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर झुका हुआ हो तो फ्रंट व्यू क्या होगा। फ्रंट व्यू की बात कर रहा है, तो फ्रंट व्यू वर्टिकल ट्रेस पर होगा एंड एक्स वाई से थीटा डिग्री झुका हुआ होगा। ठीक है, जितना डिग्री एंगल देगा वहां उतना डिग्री झुका हुआ होगा। चलते हैं इस वीडियो को लास्ट एंड आखिरी 43 नंबर का क्वेश्चन। जब प्लेन वर्टिकल प्लेन के लंबवत तथा एच पी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर थीटा डिग्री झुका हुआ हो तो टॉप व्यू पूछ रहा है, टॉप व्यू क्या होगा। टॉप व्यू की बात करते हैं दोस्तों, टॉप व्यू होगा वहां पे छोटा टॉप व्यू बनेगा। ठीक है, वहां